हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो बच्चों, मैं आप सभी का PW के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग एंड बिगेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ PW। तो बच्चों, कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? आई होप सबकी पढ़ाई बच्चों बहुत अच्छी चल रही होगी। हमने लास्ट लेक्चर में बच्चों जो भी चीज़ें पढ़ी थी, और इनफैक्ट इससे प्रीवियस लेक्चर्स में जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, आप प्रॉपरली उन सबका रिवीजन कर रहे होंगे। आई नो, बिकॉज यू ऑल आर वेरी वेरी सिंसियर्स अबाउट योर स्टडी। यस, आई नो। ओके बच्चों, तो लास्ट लेक्चर में बच्चों आप सभी को याद होगा, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर शुरू किया था, और उसकी एक प्रॉपर्टी बच्चों बहुत अच्छे से समझ भी ली थी। वो आप सबके लिए मैं अभी इस लेक्चर में बच्चों रिवाइज भी करवाने वाला हूँ, और उस पर हम और भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। इनफैक्ट हम आज बच्चों सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं कंडक्टर्स की, वो सब डिस्कस कर लेंगे। ओके बच्चों, तो द्रोणा जी की इस सीरीज में बच्चों मैं आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस लेक्चर नंबर 9 लेके आया हूँ, जिसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया हम प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स जो हैं बच्चों वो बहुत इलैबोरेटली, बहुत अच्छे से बच्चों सारी कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ बच्चों पढ़ने वाले हैं। ओके, चलो शुरू करते हैं बच्चों। जैसे मैंने आपको बताया, हम प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स बच्चों पढ़ेंगे। यस, ये रहा प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स बच्चों पढ़ने वाले हैं आज हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 1 के बारे में। तो बच्चों, अगर आपको लास्ट लेक्चर, कल का लेक्चर बच्चों अगर आपको याद है, तो आप सब के सब मेरे को फटाफट लिख के बताइए कि प्रॉपर्टी नंबर 1 बच्चों थी क्या। कंडक्टर की बच्चों नंबर 1 प्रॉपर्टी जो है, वो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है, जो मैंने आपको पढ़ाई थी कल बच्चों, वो क्या है? तो हमने पहली प्रॉपर्टी बच्चों पढ़ी थी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बच्चों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मटेरियल ऑफ कंडक्टर बच्चों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मटेरियल ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इज जीरो। ओके बच्चों, इसमें मैंने बहुत सारे वर्ड्स है बच्चों एम्फसाइज किया है, ठीक है ना बच्चों? मैंने किन किन वर्ड्स पे जोर दिया बच्चों, वो शब्द ऐसे शब्द है बच्चों जो बच्चे जनरली क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त भूल जाते हैं या निगलेक्ट कर देते हैं। बच्चों, साइंस में हर एक वर्ड का अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है बच्चों, ठीक है? तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर कि सबसे पहले बच्चों आपको याद रखनी है, वो याद रखना है ये नेट शब्द, कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों जीरो नहीं कर रहा हूँ, मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सभी चार्जेस की वजह से जो रुके हुए हैं बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पे भी ध्यान देना बच्चों, सारे ऐसे चार्जेस जो मूव नहीं कर रहे बच्चों, जो स्टैटिक हैं, उन सभी की वजह से बच्चों जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इन मटेरियल ऑफ कंडक्टर बच्चों, जहाँ पे कंडक्टर है उसके मटेरियल के किसी भी पॉइंट पे बच्चों जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ऐसे सभी चार्जेस की वजह से जो स्टैटिक हैं वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों जीरो होगी, ठीक है बच्चों? तो ये चीज़ हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी। ओके, तो अभी मैं आपको ये बता देता हूँ और ये समझा भी देता हूँ बच्चों कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों अंदर ज़ीरो कैसे होती है। हमने ये तो बच्चों लास्ट टाइम पढ़ा था कि ज़ीरो होती है, ठीक है ना बच्चों? अब बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, आप सब साइंस स्टूडेंट है बच्चों, ठीक है ना? आप सबके सब घर पे बैठे बैठे इतने इच्छुक हैं सब चीज़ें पढ़ने के लिए कि आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं बच्चों, तो ये दिमाग में ना बच्चों बहुत ज़्यादा आता है बच्चों कि ठीक है सर, आपने ये बता दिया कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो है, के कैसे है ना बच्चों? तो वो कैसे भी अब हम जानेंगे बहुत ही एक छोटे से और सिंपल एग्जाम्पल से बच्चों, ठीक है ना? सिंपल एग्जाम्पल में बच्चों लेट अस से कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके बच्चों, एक्सटर्नल मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ली है,
कोई ये इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों प्रोड्यूस कर रहा है, और ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, ठीक है, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों। ओके बच्चों, तो ये हमारी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, जिसकी वैल्यू बच्चों हर जगह सेम रहती है, ठीक है ना। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू बच्चों हर जगह सेम रहती है। तो बच्चों इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने क्या किया बच्चों, एक स्फेरिकल कंडक्टर रख दिया, ठीक है बच्चों। तो ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है, इसके पूरे मटेरियल बच्चों यहाँ पे जो जो मैं शेड कर रहा हूँ, ये सारा का सारा यहाँ पे कंडक्टर भरा हुआ है बच्चों, जो भी शेडेड पोर्शन है ना बच्चों, इस पूरे में बच्चों कंडक्टर भरा हुआ है, ठीक है बच्चों। ये पूरा का पूरा कंडक्टर वाला है, ठीक है। और अब इस कंडक्टर में से बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगी, मैंने बोला है बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो जीरो होती है। ओके बच्चों, तो बच्चों के यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है कि सर आपने तो ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तो आपने कंडक्टर में से पास करवा दी, देखो सर आप येल्लो लाइन दिखा रहे हो कंडक्टर के अंदर, है ना भाई, आप सबको भी दिख रही है कि ये जो येल्लो लाइन है ये कंडक्टर के अंदर है। एंड येल्लो लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों, जो बाहर से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, ठीक है ना सर। तो अब बच्चे में से पूछते हैं कि सर ये बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपने कंडक्टर के अंदर क्यों दिखाई जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो बोल दिया। तो बच्चों मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो नहीं बोला, मैंने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो बोला है। ओके बच्चों, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो आपको येलो कलर में दिख रही है बच्चों, ये कंडक्टर से पास कर रही है। ओके बच्चों, अब इसकी वजह से बच्चों क्या क्या होगा, ठीक है ना बच्चों, क्या क्या होगा हम वो चीज अब देखना चाहेंगे, ठीक है बच्चों। तो अगर बाहर से मैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इस कंडक्टर में से पास कर दूं तो क्या होगा, अब वो चीज देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहली चीज, कंडक्टर के अंदर बहुत सारे बच्चों इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हर एक इलेक्ट्रॉन बच्चों नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। ओके बच्चों, और कोई भी नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल बच्चों पे जो फोर्स लगती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है बच्चों। ये हमने कई बार पढ़ा है बच्चों, फर्स्ट चैप्टर में भी कई बार पढ़ा है ये चीज बच्चों, हमने डायपोल में भी पढ़ी है ना बच्चों। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो बच्चों कि इस कंडक्टर के अंदर ये जो मैंने वाइट रीजन बनाया बच्चों, इस वाइट रीजन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों, और जितने भी नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, पे जो फोर्स लगती है बच्चों वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट लगती है ना बच्चों। तो ये कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं सबसे पहले, तो ठीक है बच्चों, कंसेप्ट नंबर वन मैं यहाँ लिख देता हूँ, ओके, ताकि आपके पास नोट भी रहे हमने क्या क्या कंसेप्ट यूज। फोर्स जो होती है बच्चों वो क्यू इंटू ई वेक्टर होता है बच्चों, है ना। और ये फॉर्मूला याद रखना बच्चों बहुत मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो वन कूलम पे फोर्स होती है। ओके बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो भी वैल्यू हो, लेट अस से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बच्चों 3 न्यूटन पर कूलम्ब है। ओके बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 3 न्यूटन पर कूलम्ब, इसका मतलब 1 कूलम्ब पे वो 3 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। तो बच्चों अगर 1 कूलम्ब पे इलेक्ट्रिक फील्ड 3 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है तो किसी भी क्यू चार्ज पे बच्चों कितनी फोर्स लगाएगा, जो वो 1 कूलम्ब पे लगा रहा है, क्यू, है ना बच्चों। इसलिए किसी भी चार्ज पे बच्चों जो फोर्स होती है वो हम क्यू की लिख सकते हैं, है ना बच्चों। अब यहाँ पे जहाँ पे वो फोर्स लगाएगा बच्चों, यहाँ पे जो क्यू है वो माइनस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है बच्चों, यस और नो, इलेक्ट्रॉन पे बच्चों जो भी चार्ज होगा वो माइनस ई होगा, यहाँ पे क्यू माइनस ई है बच्चों। तो फोर्स लगेगी इलेक्ट्रॉन पे बच्चों, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा, हो जाएगा माइनस ई इंटू कैपिटल ई,
बच्चों ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। ओके बच्चों, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को बच्चों हम ई और उसके ऊपर माइनस साइन से डिनोट करते हैं। अगर बच्चों मैं खाली ई लिखता हूं तो उसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की जो वैल्यू है वो बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चीज याद रखना, बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। अगर बच्चों मैं ई पर माइनस लिखता हूं तो इसका मतलब मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, लेकिन बच्चों अगर मैं खाली ई लिखता हूं तो इसका मतलब होता है चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब बच्चों। ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन के पास इतना ही चार्ज होता है लेकिन माइनस में बच्चों। मैंने माइनस देखो यहां बना रखा है अलग से, है ना बच्चों, यहां पे आपको दिख रहा है कि मैंने माइनस अलग से यहां पे बना रखा है। ठीक है बच्चों, तो माइनस ई चार्ज ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। ओके बच्चों, आई गेस ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ओके बच्चों, ये हमारा हो जाएगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, तो माइनस ई, अब आप यहां पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ है बच्चों तो उसका माइनस साइन इस तरफ हो जाएगा। इसका मतलब फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन बच्चों लेफ्ट की तरफ लगेगी बच्चों, लेफ्ट की तरफ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स बच्चों लेफ्ट की तरफ लगेंगी। ओके बच्चों, ये चीज हमें समझ में आ गई इस कॉन्सेप्ट नंबर वन से। तो बच्चों अब यहां पर इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, और उन्हीं सब इलेक्ट्रॉन पे बच्चों किस तरफ फोर्स लग रही है, वो लग रही है बच्चों लेफ्ट की तरफ। ओके, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बच्चों लेफ्ट की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पे बच्चों मैं इलेक्ट्रॉन्स को माइनस साइन से डिनोट कर रहा हूँ कि यहाँ पे बच्चों माइनस साइन आके इकट्ठा हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट बच्चों माइनस साइन आके इकट्ठा हो जाएगा, और बच्चों माइनस साइन जहां से आया है वहां पे पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस वो बच्चों रह गए होंगे, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा। ओके बच्चों, इलेक्ट्रॉन बच्चों एटम के आसपास घूमते रहते हैं, इसलिए हम एटम को बच्चों न्यूट्रल बोलते हैं, जिस पे कोई चार्ज नहीं होता है। अब बच्चों एटम से तो उसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहा है फ्रीली चार्ज, उस इलेक्ट्रॉन को उठा के बच्चों आपने कहीं और लेके चले गए, जहां आप लेके चले गए वहां पे तो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ गया, और जहां से इलेक्ट्रॉन बच्चों चला गया, इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, यहां पे बच्चों न्यूक्लियस के पास अब ज्यादा प्रोटॉन्स है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, है ना बच्चों, तो वहां पे बच्चों ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, ये चीज हमारे पास हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इस तरफ है। ओके, कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बच्चों, उन पे जो फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट लगेगी, भी हमने देख लिया। ओके, इलेक्ट्रॉन्स बच्चों इस तरफ जाएंगे, इस तरफ फोर्स लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट के, पर इलेक्ट्रॉन्स बच्चों इससे बाहर थोड़ी ना निकल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बच्चों यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, माइनस चार्ज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे बच्चों, इकट्ठे, और इलेक्ट्रॉन्स बच्चों जहां से छोड़ के आए हैं, ठीक है ना, वहां पे बच्चों पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके बच्चों, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है और ये जो पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, ये एक स्टैटिक चार्ज बन गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आके इकट्ठे हो गए, रुक गए, और वहां पे पॉजिटिव चार्ज बच्चों इकट्ठा हो गया, रुक गया। ओके बच्चों, तो ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज बन गया बच्चों। ओके, अब इनकी वजह से भी बच्चों एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों इस पॉजिटिव से इस नेगेटिव तक बच्चों एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो ऐसे। ठीक है बच्चों, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अलग से प्रोड्यूस होगी, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बच्चों हम एक काम करते हैं, यहाँ पे बच्चों ये जो मैं वाइट वाइट निशान बनाए थे मैंने, ये हटा देता हूं मैं। ठीक है बच्चों, बाहर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है वो ऐसे जा रही है। ओके बच्चों, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बच्चों इकट्ठे हो गए थे ऐसे,
ठीक है बच्चों, और एक पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव, इस पॉजिटिव चार्ज से इस नेगेटिव चार्ज तक बच्चों एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगी जो कि येलो कलर्ड लाइन जो बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, येलो वाली लाइंस बच्चों बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है ई एक्सटर्नल, और ये बच्चों जो मैंने ब्लू कलर्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई है ना बच्चों, ये जो चार्जेस यहाँ पर इकट्ठे हुए इंड्यूस हो गए जो चार्ज, उनकी वजह से बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको मैं ई इन बोलूंगा, ठीक है ना बच्चों, इन बोलूंगा। ओके बच्चों, तो ये ई इन हो गया, ठीक है बच्चों। तो अब जो चार्जेस बच्चों कंडक्टर के अंदर इंड्यूस हुए है ना बच्चों, ऐसे चार्जेस को हम क्या बोलेंगे, ये जो मैंने बच्चों चार्जेस बनाए हैं यहाँ पर, इन चार्जेस को बच्चों क्या बोलेंगे जल्दी से बताओ, ये जो चार्जेस हैं बच्चों, ये चार्जेस हमने नहीं दिए, हमने नहीं दिए बच्चों ये चार्जेस, ये चार्जेस अपने आप ही यहाँ पर आ गए क्योंकि हमने बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी बच्चों, हमने इस कंडक्टर को अलग से कोई चार्ज नहीं दिया बच्चों, हमने तो बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड दी इस कंडक्टर को। ओके बच्चों, कंडक्टर को एक बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया, जब बच्चों हम कंडक्टर को बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये चार्जेस अपने आप आ गए है ना बच्चों, ये चार्जेस अभी मैंने आपको जो प्रोसेस बताया है वजह से बच्चों ये चार्जेस यहाँ पे अपने आप आ गए, ऐसे चार्जेस को बच्चों हम कहते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस। ओके बच्चों, ये हमारे जो चार्जेस होंगे ये हमारे बच्चों इंड्यूस्ड चार्जेस होंगे। ओके बच्चों, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी ये इन चार्जेस की वजह से बच्चों अपने आप बन गई पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज। ओके बच्चों, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इंड्यूस चार्जेस ने बनाई है बच्चों, ये कैंसिल करेगी इस बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को। अगर बच्चों ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि ई एक्सटर्नल है उसको अगर कैंसिल नहीं कर पाई, इसका मतलब ये हुआ कि अंदर अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर बच्चों अंदर अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन पे बच्चों अभी भी फोर्स लगेगी, और इलेक्ट्रॉन पे बच्चों अगर अभी भी फोर्स लगेगी तो क्या होगा, और इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर आके इकट्ठा हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाएंगे, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी बच्चों। ये ई इन बढ़ता चले जाएगा जब तक ये इस बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को बच्चों कैंसिल नहीं कर देता। ओके बच्चों, ये ई इन तब तक बढ़ता चले जाएगा जब तक वो इसको कैंसिल नहीं कर देगा, ठीक है ना बच्चों। फाइनली जब हम कंडक्टर को बच्चों बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाती है जिसकी वजह से बच्चों इलेक्ट्रॉन एक जगह इकट्ठा हो जाता है और एक जगह पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव इंड्यूस चार्जेस की वजह से बच्चों एक अंदर अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती रहेगी उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी कब तक, जब तक वो बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को बच्चों कैंसिल ना कर दे। ओके, तो कंसेप्ट नंबर वन ये था बच्चों। कंसेप्ट नंबर टू हमने क्या चीज पढ़ी बच्चों, कंसेप्ट नंबर टू ही हमने पढ़ा बच्चों, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन बाय एक्सटर्नल फील्ड, चार्जेस आर इंड्यूस्ड। ओके बच्चों, चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है बच्चों। तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन बाय एक्सटर्नल फील्ड चार्जेस आर इंड्यूस्ड। ओके बच्चों, तो चार्जेस इंड्यूस हुए तो मैंने गोले मार रखे हैं। अब जो चार्जेस बच्चों इंड्यूस हुए उनकी वजह से तीसरा कॉन्सेप्ट बच्चों क्या है, थर्ड कॉन्सेप्ट बच्चों यहाँ पे क्या है, थर्ड कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है बच्चों। ओके, तो थर्ड कॉन्सेप्ट बच्चों यहाँ पे क्या है,
थर्ड कॉन्सेप्ट ये है कि ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस एन इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों वो प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है ना बच्चों, एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी जिसको हम ई इन बोल रहे हैं। अब बच्चों ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैंसिल करेगी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक, एक्सटर्नल, ठीक है बच्चों, इसको हम नाम ई एक्सटर्नल ही दे देते हैं, ई एक्सटर्नल, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा प्रोसेस होगा जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों अंदर कैंसिल हो जाएगी। यस एवरीवन, तो बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर है, है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों प्रोड्यूस हुई इन, क्या वो कंडक्टर के अंदर है, है। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कंडक्टर के अंदर प्रोड्यूस्ड हैं, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का सम बच्चों वो जीरो होगा। ओके बच्चों, तो ये चीज हमें यहां पे ध्यान रखनी है कि दीज टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स विल एग्जिस्ट इन कंडक्टर, बट हमें जो रिजल्टेंट दिखेगा इन दोनों का वो जीरो होगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा पूरा का पूरा प्रॉपर्टी नंबर वन के ऊपर का डिस्कशन है। ओके बच्चों, चलो तो अब हम इस पे क्या करते हैं, फिर थोड़े बहुत क्वेश्चन करते हैं, जब हमने समझ में आई गया है तो बच्चों उसको टेस्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे आप सबको दिख रहा होगा कि एक चार्ज क्यूब है। देखो क्वेश्चन पढ़ो, अ चार्ज क्यूब, ओके ये रहा चार्ज क्यूब बच्चों। अ चार्ज क्यूब इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ न्यूट्रल मेटालिक स्फीयर। तो बच्चों ये एक न्यूट्रल मेटालिक स्फीयर है, ये पूरा का पूरा मेटल का बना हुआ है बच्चों, ये एक कंडक्टर है और ये एक न्यूट्रल स्फीयर है बच्चों, इस पे हमने बाहर से कोई चार्ज नहीं दे रखा बच्चों। न्यूट्रल का मतलब क्या है कि चार्ज ऑन कंडक्टर इज जीरो, चार्ज जो है कंडक्टर पे वो जीरो है, चार्ज ऑन कंडक्टर इज जीरो। ओके बच्चों, ये चीज हमें पता है कि न्यूट्रल का मतलब क्या होता है। नाउ फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, बच्चों अब हमें क्या पता लगाना है, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगानी है कहाँ पे, एट द सेंटर। तो बच्चों स्फीयर का जो सेंटर है वहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगानी है, किसकी वजह से, ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस। बच्चों जो चार्जेस इंड्यूस होंगे, ठीक है, उनकी वजह से सेंटर पे बच्चों क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हमें वो चीजें, हमें वो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे निकालनी है, वो चीज निकालनी है बच्चों, ठीक है ना। तो ये चीज हमने क्वेश्चन को तो समझ लिया, अब बच्चों इसको सॉल्व करने बैठते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने क्या चीज पढ़ी, सॉल्यूशन देखो बच्चों, सॉल्यूशन सबसे पहले हमने बच्चों क्या चीज पढ़ी, हमने बोला कि ये एक न्यूट्रल कंडक्टर है, इस पर कोई बाहर से हमने कोई चार्ज नहीं दे रखा, इस पर टोटल चार्ज बच्चों जीरो है, ठीक है ना, इस पर टोटल चार्ज बच्चों क्या है, जीरो है। सेंटर से बच्चों डी डिस्टेंस की दूरी पे हमने यहां पर एक चार्ज को रखा हुआ है, ठीक है बच्चों, हमने ये देख लिया। अब जैसे बच्चों हमने लास्ट वाली स्लाइड में देखा था, हमने लास्ट वाली स्लाइड में बच्चों क्या चीज देखी थी, हमने ये चीज देखी थी कि इस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएंगी ऐसे। बच्चों हमने याद होगा आपको लास्ट वाली स्लाइड में मैंने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई थी, है ना बच्चों। तो अभी भी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे। तो इस क्यूब की वजह से बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी बच्चों, ऐसे भी जाएगी, ऐसे भी जाएंगी और ऐसे भी जाएंगी और एक इस तरीके से भी जाएगी बच्चों, टेंजेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी बच्चों क्यूब की वजह से वो कंडक्टर के थ्रू इस तरीके से जाएंगी। ओके बच्चों, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बच्चों जैसे कि हमने पढ़ा कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये जो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं
इस क्यू चार्ज की वजह से बच्चों इलेक्ट्रॉन पे ये फोर्स लगाएंगी ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके बच्चों, तो जितने भी बच्चों इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे के सारे ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है बच्चों इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पे बच्चों नेगेटिव चार्ज जो है इकट्ठा हो जाएगा। अब बच्चों जहां से नेगेटिव चार्ज आया है वहां पे पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, यहां से नेगेटिव चार्ज उठ के वहां चला गया तो यहां पॉजिटिव बन गया, यहां नेगेटिव बन गया बच्चों, यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऐसे। ओके बच्चों ऐसे, अब पॉजिटिव से नेगेटिव बच्चों हम ई इंटरनल बनाएंगे। तो जैसे हमने यहां पे बनाया बच्चों, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव आएगी जो कि येलो वाली लाइन के ऑपोजिट होगी बच्चों, इस तरीके से। ओके बच्चों, तो इसको हम बोलेंगे ई इन, इसको बच्चों हम क्या बोलेंगे ई इन। तो बच्चों इस तरीके से कुछ जो चार्ज है ना वो डिस्ट्रीब्यूट, ये बच्चों इंड्यूस चार्जेस इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है ना बच्चों। तो अभी एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद में आपको इसके बोनस पॉइंट्स बताता हूँ, ठीक है ना बच्चों। तो हमने इसमें सबसे पहले क्या किया आपके लिए मैं एक बार जो है दोबारा से बच्चों प्रॉपरली समझा देता हूँ, मिस हो गया होगा वो ध्यान से देखे बच्चों। यहाँ पर मैंने यहाँ क्या क्या बताया कि यहाँ ये एक कंडक्टर है बच्चों, ये उसका सेंटर है, सेंटर से दूर डी डिस्टेंस दूर बच्चों यहाँ पे एक क्यू चार्ज रखा हुआ है। और फिर बच्चों मैंने आपको क्या बताया कि इस क्यू की वजह से ऐसे बच्चों ये बच्चों ऐसे, ठीक है ना, इसको ऐसे ही ले लेते हैं। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी बच्चों ऐसे, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही हैं और बीच में से भी जाएंगी बच्चों ऐसे, है ना, ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी, ये भी चीज हमें समझ में आ रही है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बच्चों क्या करेंगी, ये नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगाएंगी अपने ऑपोजिट। तो नेगेटिव चार्ज बच्चों यहां पर आके इकट्ठा हो जाएगा, कंडक्टर से तो बाहर नहीं निकल सकता वो, और जहां से आया है बच्चों वहां पे एक पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा ऐसे। और फिर पॉजिटिव से नेगेटिव बच्चों अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ग्रीन कलर वाली लाइंस जो हैं बच्चों, तो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, जो ई एक्सटर्नल है बच्चों ई इन उसको कैंसिल करेगा। यस एवरीवन, ई इन उसको कैंसिल करेगा। तो यहां पे हमने ये देख लिया बच्चों कंडक्टर के अंदर होगा क्या, ठीक है। और ये बिल्कुल बच्चों मैंने आपको वही चीज बताई है जो मैंने पिछली वाली पेज पे आपको सिखाया था, यहाँ पे बस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी और यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों। तो हमारे दोनों पोर्शंस कवर हो गए, ठीक है ना बच्चों। तो ये चीज हमारे पास आ गई। अब हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन सॉल्व करना बच्चों बहुत ही सिंपल बात है, ठीक है ना, क्वेश्चन सॉल्व करना बच्चों बहुत ही सिंपल बात है। और क्वेश्चन सॉल्व हम कैसे करेंगे, झटके से करेंगे बच्चों, झटके से। देखो देखो ये बच्चों क्यू चार्ज हो गया, ठीक है ना, ये हमारा और ये ऐसे, ये बच्चों टेंजेंट्स हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो टेंजेंट होगा इस स्फीयर के बच्चों, इतने छोटे से रीजन में, इतने छोटे से रीजन में आप देख सकते हो कि नेगेटिव चार्ज आएगा, और इतने बड़े रीजन में बच्चों उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है ना बच्चों। ये हमारा क्या हो जाएंगे, ये प्लस इंड्यूस हो जाएगा, और ये बच्चों ये क्या हो जाएगा माइनस इंड्यूस। ओके बच्चों ये चीज हमें पता है। अब सेंटर पे बच्चों हमें इन इंड्यूस चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और हमें ये भी पता है बच्चों कि जो सेंटर है वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए, क्योंकि ये तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, है ना बच्चों। अब क्या होगा, इस क्यू की वजह से बच्चों की डी डिस्टेंस पे है, इसकी वजह से बच्चों इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ई क्यू सेंटर पे बच्चों, है ना बच्चों यहां पे। और इंड्यूस चार्ज की वजह से अब मेरे को आप ही बताओ, अगर मेरे को सेंटर पे, क्योंकि कंडक्टर के मटेरियल के अंदर है बच्चों ये पॉइंट सेंटर, यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों अगर जीरो करनी है
तो दो ही टाइप के चार्ज है, एक तो ये क्यू चार्ज जिसकी वजह से बच्चों सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड तरफ है, ओके, और एक ये क्यू इंड्यूस चार्ज जिसकी वजह से बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होनी चाहिए ताकि वो इसको कैंसल आउट कर दे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ जाए। खुद सोचो बच्चों कहां पे होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस इंड्यूस चार्ज की वजह से। तो बच्चों इस इंड्यूस चार्ज की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होनी चाहिए, यस एवरीवन। और बस अब तीसरी चीज बच्चों, तीसरी चीज यहां पर, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप, तो ये स्टेप नंबर थ्री है बच्चों, ठीक है ना। अब स्टेप नंबर थ्री बहुत सही है, ई इंड्यूस है जो कि राइट डायरेक्शन में है, शुड बी इक्वल टू ई क्यू जो कि लेफ्ट डायरेक्शन में है बच्चों। इनके मैग्नीट्यूड्स बच्चों क्या हो जाने चाहिए, बराबर। तो अब इस क्यू की वजह से बच्चों इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, पॉइंट चार्ज की वजह से डी डिस्टेंस दूरी पे, पॉइंट चार्ज की वजह से डी डिस्टेंस दूरी पे इस सेंटर पे, इस पॉइंट पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, के क्यू अपॉन टी स्क्वायर। इतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इंड्यूस चार्ज की होनी चाहिए लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, सो दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड मटेरियल ऑफ कंडक्टर इज ओके। बच्चों तो ये हमने पहले सॉल्व कर लिया, ठीक है, और देखो ज्यादा मैथमेटिक्स है ही नहीं, मैंने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाया और आंसर आ गया, है ना बच्चों। और ये बता दूं मैं, ये मेंस का क्वेश्चन भी रह चुका है, ठीक है ना बच्चों। तो एक चीज ध्यान से सुनना, जरा बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, मैंने यहाँ पे क्या क्या चीजें बताई आपको। एक तो कंडक्टर बच्चों न्यूट्रल है, अगर कंडक्टर बच्चों न्यूट्रल है तो इस पे नेट चार्ज बच्चों क्या होना चाहिए, जीरो, ओके बच्चों। हमने इसको बाहर से कोई चार्ज नहीं दिया, इस पे बच्चों अभी भी चार्जेस इंड्यूस होने के बाद भी नेट चार्ज बच्चों जीरो होना चाहिए, क्योंकि ये सारे नेगेटिव चार्जेस बच्चों पहले यहीं पे थे, वो यहां से यहां चले गए, तो हमें चार्जेस अलग अलग दिखने लग गए पर टोटल चार्ज अभी भी जीरो ही तो है। कंडक्टर को हमने बाहर से कोई चार्ज नहीं दिया, कंडक्टर पे बच्चों इनिशियली जीरो चार्ज था, कि तुमने नेगेटिव पॉजिटिव अलग अलग कर दिए, है ना बच्चों। तो नेगेटिव पॉजिटिव अलग करने के बाद जब टोटल करोगे तब भी तो टोटल चार्ज जीरो ही आना चाहिए, यस एवरीवन। तो क्योंकि कंडक्टर बच्चों न्यूट्रल है, ये जो फ्यूज चार्ज आएगा नेगेटिव जो कि छोटे रीजन में है, उतना ही बच्चों प्लस क्यू इंड्यूस आएगा जो कि फैला पड़ा है बड़े रीजन में, है ना बच्चों। तो ये हमें साफ साफ पता लग गया। तो इसके बोनस पॉइंट्स क्या क्या हैं, तो बोनस पॉइंट्स बच्चों समझ लेते हैं, इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया नहीं है लेकिन इस पे क्वेश्चंस बच्चों बन सकते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पे बोनस पॉइंट्स देख लेते हैं, पे क्वेश्चंस आगे जाके बन सकते हैं। तो बच्चों साफ साफ बात है, ये क्या हो गया, ये मेटालिक स्फीयर हो गया, ये क्या है, ये क्यू चार्ज है, कितने डिस्टेंस दूर है बच्चों, इसके हम पहले क्या बनाएंगे बच्चों, टेंजेंट, टेंजेंट्स बन, ये भी बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही होंगी, इनके बीच में भी बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। तो सारा का सारा नेगेटिव चार्ज बच्चों कहाँ इंड्यूस, यहाँ पर, इतना ही नेगेटिव चार्ज बच्चों यहाँ पे आराम से फैल जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जितना नेगेटिव चार्ज है बच्चों उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर होगा, लेकिन फैले हुए रीजन में होगा, बड़े रीजन में होगा, ठीक है बच्चों। तो ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू बच्चों, इन दोनों की जो वैल्यू होंगी वो बराबर होंगी, ओके बच्चों। तो वैल्यू ऑफ पहला बोनस पॉइंट बच्चों क्या है, वैल्यू ऑफ नेगेटिव इंड्यूस चार्ज शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ पॉजिटिव इंड्यूस्ड चार्ज, बिकॉज इनिशियली कंडक्टर इज न्यूट्रल। बच्चों इनिशियली जो कंडक्टर था वो न्यूट्रल था, उस पर कोई भी चार्ज नहीं था, हमने दिया भी नहीं कोई चार्ज, उसमें अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज थे उतना ही नेगेटिव चार्ज है बच्चों,
जैसे मैं हूँ आप हो, या मैं कोई भी चीज़ है बच्चों, वो एटम्स की तो बनी ही हुई है। एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो कंडक्टर के अंदर भी बच्चों बहुत सारे एटम्स हैं, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है, इसलिए कंडक्टर बच्चों न्यूट्रल है। आपने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड देकर उन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को अलग अलग कर दिया, पर अभी भी है तो बराबर ही ना। कंडक्टर इनिशियली न्यूट्रल था, ठीक है बच्चों। तो जितना नेगेटिव इंड्यूस चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव इंड्यूस चार्ज होगा, क्योंकि कंडक्टर इनिशियली न्यूट्रल था। ये चीज बच्चों ध्यान रखना, मैं बार बार क्योंकि भी बोल रहा हूँ, क्योंकि कंडक्टर न्यूट्रल था, ठीक है। इसलिए तो यहाँ पे बच्चों हमने ये चीज पकड़ ली, ठीक है, ये चीज हमने बता दी। अब डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी बच्चों? डेंसिटी, दूसरा बोनस पॉइंट, डेंसिटी बच्चों किसकी ज्यादा होगी? नेगेटिव चार्ज कम एरिया में बच्चों भिचका पड़ा है, दबा हुआ है, यहाँ पे डेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चों? ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है ये बहुत ज्यादा। उतने ही लोग बच्चों, उतना ही पॉजिटिव चार्ज पूरे एरिया में फैला पड़ा है, बड़े एरिया में बच्चों फैला पड़ा है, तो वहां पे डेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चों? कम। ओके, तो दूसरा बोनस पॉइंट बच्चों हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, तो सिग्मा है प्लस क्यूज का, सिग्मा बच्चों क्या होता है? चार्ज की डेंसिटी। ओके, सिग्मा हमारा ये क्या है? सरफेस की चार्ज है। ये बच्चों ये चार्ज किस पर आ गया? ये सरफेस पर आ गया ना चार्ज। सरफेस का जो चार्ज है उसकी डेंसिटी को हम बच्चों सिग्मा से डिनोट करते हैं। जो डेंसिटी है प्लस क्यू इंड्यूस का वो लेस देन होगा डेंसिटी ऑफ माइनस क्यू इंड्यूस। ये बच्चों दूसरा बोनस पॉइंट हो गया जिसपे मेंस के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं, एडवांस में नहीं आ पाएगा, मेंस में तो पक्का आ सकता है ये वाला, ठीक है ना। तो क्योंकि मेंस में बच्चों टाइम लिमिट रहती है, फटाफट क्वेश्चन करने होते हैं, अगर पेपर थोड़ा सा भी मॉडरेट साइड पे आया तो ये क्वेश्चन बन सकता है। ओके बच्चों, ये बोनस पॉइंट था जो हमने अभी अभी क्वेश्चन डिस्कस किया है उसका। ओके बच्चों, तो आई होप ये चीज आपको प्रॉपरली एंड क्लियरली समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन जो हमने अभी पिछली बार किया है वही सेम क्वेश्चन है। उस पर एक और क्या टफ चीज बन सकती है बच्चों, ठीक है ना। अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, वही सेम क्वेश्चन, इज हेल्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ एन अनचार्ज। बच्चों अब न्यूट्रल की जगह क्या बोल दिया है? अनचार्ज, ठीक है ना। तो अनचार्ज स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस ए, ठीक है ना बच्चों। तो इसने यही चीज बोली है कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है जो न्यूट्रल है, ठीक है ना बच्चों। तो ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है बच्चों जो न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज हमने बाहर से नहीं दिया, ठीक है ना बच्चों। इस पे टोटल चार्ज बच्चों जीरो है, ओके। और इसका रेडियस बच्चों ए है, और उससे बड़ा बच्चों ये आर है, इसका मतलब इससे रेडियस से बड़ा डिस्टेंस है ये आर, और वहां पे बच्चों एक क्यू चार्ज को रख दिया गया है। अब हमें क्या निकालना है बच्चों? हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ क्यू चार्ज। ओके बच्चों, कैलकुलेट पोटेंशियल, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करो, एट सेंटर, पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ द कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ क्यू चार्ज। तो बच्चों ये कंडक्टर न्यूट्रल है, इस कंडक्टर पे, स्फेरिकल कंडक्टर पे कोई चार्ज बच्चों नहीं है, ठीक है ना। तो इसके सेंटर पे हमें इसकी प्रेजेंस में पोटेंशियल बच्चों निकालना है। तो जब आप बच्चों यहाँ पे इसके सामने न्यूट्रल कंडक्टर के सामने एक क्यू चार्ज को बच्चों रख दोगे, तो मैंने अभी अभी आपको बताया है, पहले हम ऐसे टेंजेंट बनाएंगे, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों ऐसे पास करेगी, देखो ऐसे, उसकी वजह से क्या होगा बच्चों, यहाँ पे बहुत सारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे बच्चों उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन फैला हुआ होगा क्योंकि ज्यादा एरिया है बच्चों, है ना बच्चों, यहाँ पे ज्यादा एरिया है तो यहाँ पे फैला हुआ होगा वो पॉजिटिव चार्ज, और फिर पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव इंड्यूस चार्ज की तरफ जो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होगी वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल भी कर देगी। हमने ये भी चीज सीख ली, है ना बच्चों, इंड्यूस चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी दैट विल कैंसिल द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज इनसाइड कंडक्टर, बिकॉज प्रॉपर्टी नंबर वन,
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मटेरियल ऑफ कंडक्टर में बच्चों जीरो होती है, ठीक है ना बच्चों, ये चीज है। तो यहाँ पे बच्चों क्यू जो चार्ज है इसकी वजह से एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, वो भी लिख ही देते हैं। ये माइनस क्यू इंड्यूस है, ये प्लस क्यू इंड्यूस है बच्चों, ठीक है ना। और यहाँ पे हमें पोटेंशियल निकालना है सेंटर पे, ये क्वेश्चन है। तो बच्चों कितने टाइप के चार्जेस हैं, कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे बच्चों क्या यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर वन। तो कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे कि जो पोटेंशियल होता है टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, है ना बच्चों। ये वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे कि अगर प्लस क्यू चार्ज है आर डिस्टेंस बाद, यहाँ पे पोटेंशियल बच्चों कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर प्लस में। और बच्चों अगर नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे पोटेंशियल बच्चों कितना हो जाएगा, वो माइनस के क्यू बाय आर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बच्चों हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो अब ये वी सेंटर बच्चों हमें निकालना है। तो वी सेंटर बच्चों किस किस की वजह से होगा, एक तो इस प्लस क्यू की वजह से होगा, क्यू बच्चों एक पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से तो बच्चों यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आएगा, ओके बच्चों। प्लस और किस टाइप के चार्जेस हैं बच्चों, और इंड्यूस्ड चार्जेस हैं। इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से भी बच्चों, ये जो इंड्यूस्ड चार्जेस आ गए इनकी वजह से भी बच्चों पोटेंशियल कुछ ना कुछ हो सकता है, हमें नहीं पता, निकाल के देखना पड़ेगा। अगर कुछ वैल्यू आ गई इसका मतलब पोटेंशियल है, अगर नहीं आई वैल्यू बच्चों तो इसका मतलब पोटेंशियल जीरो है, है ना, ये सीधी बात है। तो अभी वो निकाल के देखते हैं, हमें नहीं पता, हमें तो चार्जेस दिख रहे हैं, हमें तो एक ये चार्ज दिखा और हमें पता है इस क्यू की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा। अभी बच्चों हमें ये वाले सारे चार्जेस भी दिख रहे हैं, इनकी वजह से भी पोटेंशियल हो सकता है, हमें नहीं पता, क्या पता वैल्यू आ जाए, क्या पता जीरो ही आ जाए, ना हो, ठीक है। तो देखते हैं अभी कैसे निकालना बच्चों ये। तो ये जो प्लस क्यू है आर डिस्टेंस पे बच्चों, इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, वो होगा बच्चों के स्मॉल क्यू अपॉन पूरी पूरी बच्चों कैपिटल आर है, है ना। अब बच्चों इंड्यूस चार्जेस की वजह से हमें सेंटर पे बच्चों पोटेंशियल निकालना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम बच्चों कैसे निकालेंगे। बच्चों मैं ये एक पॉइंट ले लेता हूँ जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, मैं ये एक पॉइंट ले लेता हूँ बच्चों, यहाँ पे प्लस कोई छोटा चार्ज होगा बच्चों डी, यहाँ पे कोई चार्ज होगा बच्चों डी क्यू, ठीक है ना। ये सारा का सारा चार्ज बच्चों प्लस क्यू इंड्यूस्ड है, ये सारा का सारा चार्ज बच्चों प्लस क्यू इंड्यूस्ड है। इतने सारे चार्ज में से बच्चों मैंने एक छोटा सा चार्ज उठा लिया और उस छोटे से चार्ज को बच्चों मैंने क्या नाम दे दिया, डी क्यू, ओके। ये डी क्यू की दूरी बच्चों सेंटर से कितनी है, ए है, क्योंकि रेडियस है, रेडियस है, देखो रेडियस है, है ना बच्चों। तो इस सेंटर की, इस चार्ज की दूरी बच्चों सेंटर से ए है, तो यहाँ पे बच्चों पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के डी क्यू अपॉन ए। यस एवरीवन, ठीक है बच्चों, इसको डी क्यू वन ले लेते हैं, इनफैक्ट यहाँ पे डी क्यू वन हो गया बच्चों। अगर ये वाला पॉइंट चार्ज लेते हो, इसका वैल्यू क्यू टू है, उसका भी दूरी बच्चों ए है, इसका पोटेंशियल कितना होगा, ए डी क्यू टू अपॉन ए। बच्चों अगर ये चार्ज ले लेते हो थ्री, इसका भी डिस्टेंस बच्चों ये ए है, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के डी क्यू थ्री अपॉन ए। बच्चों अगर ये कोई चार्ज ले लेते हो माइनस डी क्यू फोर अपॉन ए, ये नहीं आएगा, माइनस डी क्यू फोर, इसका पोटेंशियल बच्चों कितना आ जाएगा, माइनस फोर अपॉन ए। तो बच्चों ऐसे चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा बच्चों, ऐसे चलता रहेगा। अब बच्चों इन सभी में से मैं क्या क्या कॉमन ले सकता हूँ, इन सभी में से बच्चों मैं क्या क्या कॉमन ले सकता हूँ। आप सबको दिख रहा है कि सब में के कॉमन आएगा, आप सबको दिख रहा है बच्चों कि सब में ए भी कॉमन आएगा। तो जब आप k और a बच्चों कॉमन ले लोगे, k बाय a जब आप कॉमन ले लोगे, तो डी क्यू वन ये चार्ज प्लस डी क्यू टू ये चार्ज प्लस डी क्यू थ्री यानी कि ये चार्ज प्लस
माइनस डी क्यू फोर, यानी कि ये चार्ज। तो बच्चों एक तरीके से हम सारे चार्जेस को ऐड कर रहे हैं ना, यस और नो, कुछ सोच के बताओ। तो हम सारे चार्जेस को बच्चों क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ऐड। और हमें पता है कि अगर मैं ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज को बच्चों ऐड कर दूं, तो कंडक्टर हमारा अनचार्ज था पहले, अभी भी अनचार्ज है, तो प्लस क्यू इंड्यूस्ड और माइनस क्यू इंड्यूस्ड बच्चों बराबर होंगे। इनको ऐड करोगे तो टोटल चार्ज बच्चों जीरो आना चाहिए। यस एवरीवन, इन सब का सम बच्चों क्या आएगा, ठीक है वो देख लेते हैं। अब अभी भी जगह है, यहीं लिख लेते हैं ताकि एक ही पेज पे रहे। बच्चों वी सी हमारा कितना आएगा, के क्यू अपॉन आर। बच्चों के बाय ए हमारा कॉमन आ जाएगा, देखो यहाँ पे के बाय ए सब में कॉमन आ जाएगा, और जितने भी चार्जेस हैं बच्चों ये वाले, इन सबको हम एक तरीके से ऐड करने वाले हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन मतलब बहुत सारी चीज़ों का एडिशन। तो बच्चों हम ये सारे चार्जेस को ऐड ही कर रहे हैं, है ना बच्चों, यहाँ पे इंटीग्रेशन का मतलब डी क्यू आ गया। अब ये जो इंटीग्रेशन है बच्चों डी क्यू, इसका सम तो बच्चों है, क्यों बच्चों जो है बिकॉज प्लस क्यू यूज इक्वल टू माइनस क्यू वैल्यू के, वैल्यू ऑफ प्लस क्यू इंड्यूस इक्वल टू वैल्यू ऑफ माइनस क्यू इंड्यूस, हमने पिछली बार देखा था। तो बच्चों यहाँ पे हमारा सेंटर पे पोटेंशियल पर कितना आ गया, ए अपॉन कैपिटल आर, ठीक है बच्चों सेंटर पे पोटेंशियल कितना आ गया हमारा, ए क्यू अपॉन कैपिटल आर। ओके बच्चों ये चीज़ हमने यहाँ पे प्रॉपरली अब देख ली। तो इसी क्वेश्चन में देखो बच्चों, मैंने चार चीजें आपको सिखा दी कि सेंटर पे इंड्यूस चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड तो है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को बच्चों कैंसिल करेगी, लेकिन पोटेंशियल नहीं है इंड्यूस चार्जेस की वजह से, यहाँ पे वो जीरो हो जाएगा, वो भी चीज हमने यहाँ पे देख चुके हैं, ठीक है ना बच्चों। तो हमारा जो प्रॉपर्टी नंबर वन है वो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेट मटीरियल के अंदर ऑफ कंडक्टर बच्चों वो जीरो होगी। पोटेंशियल जीरो करने वाली कोई बात नहीं है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है बच्चों, ठीक है ना बच्चों, कि पोटेंशियल जीरो होगा कंडक्टर के अंदर, ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी बच्चों, ये चीज मैंने बोली है, और वो भी नेट इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, ठीक है ना, अंदर यहां पर इंड्यूस चार्जेस की वजह से यहां पे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्सेप्ट, बट पोटेंशियल नहीं है, ठीक है बच्चों हमारी। तो ये सब हमने यहाँ पे बच्चों क्लियर कर दिया अच्छे से। ओके आगे बढ़ते हैं, अच्छा प्रॉपर्टी नंबर टू बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, प्रॉपर्टी नंबर टू। ओके तो प्रॉपर्टी नंबर टू ये क्या है बच्चों, ये हम निकालेंगे प्रॉपर्टी नंबर वन का चूज करके। बार बार बच्चों अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है, क्वेश्चन में एक ही चीज मैंने आपको बार बार बोली है कि मैंने जो बच्चों स्फीयर लिया है, मैंने जो स्फीयर लिया है वो न्यूट्रल है, अनचार्ज्ड है, बाहर से कोई चार्ज बच्चों ने नहीं दिया। बार बार मैं यही तो बोल रहा था आपको कि जितने भी क्वेश्चन अभी मैंने दो करवाए हैं पीछे, उसमें मैंने आपको यही बोला है कि जो कंडक्टर था वो न्यूट्रल था, अनचार्ज था, बाहर से कोई चार्ज मैंने नहीं दिया। ओके बच्चों लेकिन ये अब क्वेश्चन आपके दिमाग में उठना चाहिए कि अगर चार्ज दे देंगे तो, है ना बच्चों। तो प्रॉपर्टी नंबर टू इसी के बारे में, ठीक है ना, कि इफ वी गिव सम एक्स्ट्रा चार्ज टू अ कंडक्टर, तो उस चार्ज का बच्चों होगा क्या, चार्ज को बच्चों होगा क्या, है ना। अब वो चीज देखते हैं। तो मान लो बच्चों ये कोई कंडक्टर है कि इररेगुलर शेप का बच्चों कंडक्टर है, ठीक है ना, ये कुछ भी है कंडक्टर हमें नहीं पता, यहाँ पे ये सारा का सारा बच्चों कंडक्टर है, सारा शेडेड पोर्शन भरा पड़ा है बच्चों, ठीक है ना, पूरा का पूरा इसमें कंडक्टर ही कंडक्टर भरा पड़ा है बच्चों, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इररेगुलर शेप का, ठीक है ना, कोई भी शेप हो सकती है बच्चों कंडक्टर की, इसलिए मैंने इतनी आड़ी टेढ़ी शेप बनाई है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि मैंने जो पीछा क्वेश्चन बताया आपको स्फीयर के बारे में, है ना, इसका मतलब पहली प्रॉपर्टी सिर्फ स्फीयर पे लगती हो, किसी भी शेप के कंडक्टर पे लग सकती है, ठीक है ना, ये चीज है। तो यहाँ पे मैंने कोई भी शेप ले ली बच्चों कंडक्टर की, और यहाँ पर मैं इसको क्यू चार्ज देने वाला हूँ, ठीक है ना, बाहर से बच्चों
मैं इसको q चार्ज इस पे सही पे आके रखने वाला हूँ, तो बच्चों उस q चार्ज के साथ होगा क्या, क्या मैं इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज रख सकता हूँ? ठीक है बच्चों, क्वेश्चन तो यही उठता है। अब देखते हैं क्या हम रख सकते हैं या नहीं। तो बच्चों देखो, दूसरी प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर ये जो सरफेस है बच्चों, आपको ये सरफेस दिख रही होगी, सरफेस दिख रही होगी, अगर सरफेस के नीचे मैं एक गॉशियन सरफेस बना लूँ बच्चों, मैं वाइट कलर की डॉटेड लाइन बना रहा हूँ बच्चों, ये एक गॉशियन सरफेस है ऐसे बच्चों, ये एक मैंने क्या बना ली, गॉशियन सरफेस, ठीक है ना बच्चों, ये एक गॉशियन सरफेस है बच्चों, ठीक है, ये मैंने व्हाइट कलर की गॉशियन सरफेस बना ली, ये हमारा एक गॉशियन सरफेस हो गया। ओके बच्चों, अब हम इस गॉशियन सरफेस के थ्रू बच्चों फ्लक्स निकालते हैं। तो बच्चों जो फ्लक्स होता है गॉशियन सरफेस के थ्रू, फ्लक्स गॉशियन सरफेस, फ्लक्स थ्रू गॉशियन सरफेस, बच्चों फ्लक्स कैसे निकालते हैं किसी भी सरफेस के थ्रू, बच्चों फ्लक्स कैसे निकालते हैं हम, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है बच्चों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसका डॉट लेते हैं छोटे से एरिया के साथ। यस एवरीवन, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि बच्चों अगर मैं ये छोटा सा सरफेस ले लेता हूँ गॉशियन सरफेस का, तो इसको कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट अस से बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है नेट, और एरिया वेक्टर बच्चों इस तरफ है, और ये एंगल बच्चों क्या है, तो ई नेट के बच्चों दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक तो कॉस थीटा और एक साइन थीटा, ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट जो लिया गया है वो कॉस थीटा आएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चों हमें वो कॉम्पोनेंट लेना है जो एरिया को परपेंडिकुलरली ऐसे फाड़ के जा रहा हो बच्चों, ठीक है ना बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट बच्चों जो एरिया को ऐसे परपेंडिकुलरली फाड़ के जा रहा हो बच्चों, वो कंपोनेंट की वजह से एरिया के थ्रू फ्लक्स आता है, ठीक है ना बच्चों, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉस थीटा कंपोनेंट ले लूंगा तो वो येलो कलर की जो मैंने छोटी सी सरफेस बनाई है उसको फाड़ के जाएगा परपेंडिकुलरली, ई साइन थीटा बच्चों इससे ग्रेस करता हुआ जाएगा, फाड़ के नहीं जा रहा वो, ई साइन थीटा जो होगा बच्चों ये वाला कंपोनेंट वो इससे फाड़ के नहीं जाएगा, इसको ग्रेस करता हुआ जाएगा, है ना बच्चों, अगर ये हमारा एक सरफेस है डी ए और ये बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ये वाला कॉम्पोनेंट होगा ना बच्चों परपेंडिकुलर, विच इज अगर ये एंगल थीटा है तो नेट का कॉस थीटा, तो बच्चों ये इस सरफेस को फाड़ता हुआ जा रहा है और ये वाला कंपोनेंट जो है ना बच्चों पैरेलल, ये इससे ग्रेस करता हुआ जा रहा है, तो बच्चों फ्लक्स जो आता है वो इस कंपोनेंट की वजह से आएगा, ठीक है ना, जो एरिया को फाड़ के जा रहा हो परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चों, तो इसलिए हम ई नेट का डॉट लेते हैं ताकि कॉस थीटा है, उससे बच्चों वो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है जो एरिया को फाड़ के जा रही हो, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को बच्चों अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्लक्स आ जाता है, है ना बच्चों, ये हमने चीज़ सीखी थी, थोड़ा सा रिवीजन मैंने करवा दिया, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा दिमाग में चमक जाए वो क्या रहा है, तो बच्चों ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ध्यान से देखना बच्चों, ये तो मैंने अभी फ्लक्स सिर्फ इस सरफेस का निकाला है, अभी इसका भी निकालेंगे, अभी इसका भी निकालेंगे, फिर इसका भी निकालेंगे, फिर इसका भी निकालेंगे, फिर इसका भी निकालेंगे, फिर इसका भी, ऐसे करके बच्चों सबका फ्लक्स एक एक करके निकालेंगे और सबको फिर क्या कर देंगे, ऐड, सबको बच्चों ऐड कर देंगे, और वो भी पूरी क्लोज्ड सरफेस का, बच्चों ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है वाइट कलर की, ये सारी एक क्लोज सरफेस बना रही है, क्लोज सरफेस बना रही है बच्चों, ठीक है ना, क्लोज सरफेस के हर छोटे छोटे एरिया का हम फ्लक्स निकालेंगे और उन सबको बच्चों ऐड करेंगे, कहते नहीं है मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज फिजिक्स, यस एवरीवन, ये हमें क्या कह रहा है, ये जो मैथमेटिकल मैंने फंक्शन लिख दिया ये कह क्या रहा है बच्चों, ये एक लैंग्वेज है, ये हमें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, ये क्या कह रहा है, ठीक है ना बच्चों, तो इसको समझते हैं क्या कह रहा है वो, ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट, डॉट का मतलब कॉस थीटा, यस एवरीवन, तो ई नेट का कॉस कंपोनेंट थीटा का, यहाँ पे डॉट का मतलब बच्चों क्या है,
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का cos कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर है एरिया के जो उसको फाड़ के जा रहा है e cos थीटा, जब बच्चों हम उसको एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे छोटे से एरिया से, तो छोटे से एरिया का फ्लक्स आएगा हमें बच्चों क्लोज्ड सरफेस के ऐसे छोटे छोटे एरियाज का फ्लक्स निकाल के ऐड करना है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज हमें बताई गई है मैथमेटिकली, ये चीज हमें बोलना चाह रही है, लैंग्वेज है बच्चों, ठीक है ना, ये चीज इसने हमें बोल दी। अब लेकिन कंडक्टर के अंदर बच्चों ये गॉसियन सरफेस कहां बनाई है मैंने, कंडक्टर की सरफेस जो है उसके जस्ट अंदर, मतलब कंडक्टर के अंदर बनाई है, ठीक है ना बच्चों। तो दिस गॉसियन सरफेस इज इनसाइड कंडक्टर, इज इनसाइड कंडक्टर, और इनसाइड कंडक्टर ई नेट बच्चों जीरो होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है। तो ये जब ई नेट ही जीरो हो जाएगा बच्चों, जब इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ही बच्चों कंडक्टर के अंदर जीरो है, तो ना ही उसका कॉस कंपोनेंट आएगा, ना ही वो एरिया को फाड़ के जाएगा, ना ही फ्लक्स आएगा, ठीक है ना बच्चों। तो सीधी सीधी बात है कि अगर ई नेट जीरो है तो फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस क्या आने वाला बच्चों, ठीक है बच्चों, जीरो आने वाला है। तो दिस इंप्लाइज कि फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस बच्चों, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस वो क्या होने वाला है, ई रो, ठीक है बच्चों, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस बच्चों क्या होने वाला है, डी। और अगर बच्चों फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस जीरो हो गया तो हमने गॉस लॉ के थ्रू ये भी पढ़ा था जो फ्लक्स होता है बच्चों वो एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, इसका मतलब बच्चों क्यू एनक्लोज्ड भी जीरो हो गया, क्यू एनक्लोज्ड भी बच्चों जीरो हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा सेकंड प्रॉपर्टी है, ठीक है ना बच्चों। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि कंडक्टर के अंदर, मटेरियल के अंदर बच्चों नेट चार्ज हमेशा जीरो रहेगा, ठीक है बच्चों। जब भी मैं ये लिखता हूं क्यू एनक्लोज्ड इक्वल टू जीरो, तो बच्चे इसको दोबारा से गलत समझते हैं, ठीक है ना बच्चों। क्या गलत समझते हैं वो, तो ये गलत समझते हैं बच्चों कि कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज ही नहीं होगा, ऐसा समझ लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। कंडक्टर के अंदर क्यों नहीं होगा चार्ज, कंडक्टर के अंदर चार्ज होगा, चार्ज के बगैर तो बच्चों कुछ चीज बनी नहीं सकती, है ना बच्चों। कंडक्टर में कोई एटम है, उस एटम के न्यूक्लियस में बच्चों पॉजिटिव चार्ज है, और जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर भी हैं। तो बच्चों जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल चार्ज बच्चों, ये जो नेट चार्ज आया क्यू क्लोज्ड, ये जीरो ही तो आ गया, यस एवरीवन। तो क्यू एनक्लोज्ड जीरो का मतलब ये नहीं होता बच्चों कि कंडक्टर के अंदर जीरो ही चार्ज है, नेट चार्ज जीरो, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना बच्चों। तो अगर मैं बाहर से कोई एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज दूंगा बच्चों, तो वो कंडक्टर के अंदर तो रह ही नहीं सकता ना, कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव चार्ज कब रह सकता है, अगर उतना ही नेगेटिव चार्ज हो, कंडक्टर के अंदर नेगेटिव चार्ज कब रह सकता है, अगर उतना ही पॉजिटिव चार्ज हो, ताकि टोटल चार्ज क्यू एनक्लोज जीरो आ सके। अब अगर आप बाहर से अलग से कोई पॉजिटिव चार्ज दे देते हो, तो बच्चों एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा फिर कंडक्टर पे, वो कंडक्टर के अंदर नहीं रह सकता, वो अपने देख लिया कि क्यू एनक्लोज बच्चों कितना चाहिए जीरो, तो इसका मतलब वो सारा का सारा चार्ज बच्चों कहां भाग जाएगा, सरफेस पे, वो सरफेस पे चला जाएगा बाहर, सरफेस पे गॉसियन सरफेस नहीं बनाई हमने बच्चों, हमने तो कंडक्टर की सरफेस है उसके जस्ट अंदर, कंडक्टर के अंदर गॉसियन सरफेस बनाई है। इससे ये प्रूव हुआ है सरफेस के, कंडक्टर की सरफेस के अंदर, मटेरियल ऑफ कंडक्टर के अंदर बच्चों नेट चार्ज जीरो होना चाहिए, तो बाहर से दिया चार्ज बच्चों हमेशा सरफेस पे रहेगा, ठीक है ना कंडक्टर की। तो ये चीज हमने पढ़ ली, तो अब प्रॉपर्टी नंबर टू बच्चों लिख ले, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी नंबर टू बच्चों क्या है हमारी, प्रॉपर्टी नंबर टू बच्चों बहुत ही सिंपल है,
और प्रॉपर्टी नंबर टू बच्चों है क्या कि एनी एक्स्ट्रा चार्ज, एनी एक्स्ट्रा चार्ज, याद रखना बच्चों मैं बार बार क्या लिख रहा हूँ, बार बार बोल भी रहा हूँ, एनी एक्स्ट्रा चार्ज गिवन ए कंडक्टर रिसाइड resides on its surface, on its surface बच्चों, ठीक है ना, ये चीज हमारी है और इस चीज याद रखना, ठीक है बच्चों, ये हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये कंडक्टर पे आप कोई भी चार्ज दे दोगे बच्चों तो वो सारा का सारा चार्ज बच्चों कहाँ चले जाएगा, कंडक्टर की सरफेस पे, ओके बच्चों, और वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए कंडक्टर को, चार्ज को, मतलब ये भी तो क्वेश्चन है ना बच्चों, तो अगर आपने कंडक्टर को कुछ बाहर से चार्ज दे दिया और वो कंडक्टर के अंदर तो रह नहीं सकता, तो वो कहाँ चले जाएगा, सरफेस पे चले जाएगा, फॉर श्योर बच्चों, वो कहाँ चले जाएगा, सरफेस पे चला जाएगा, ये चीज़ अपनी पक्की हो गई, सरफेस पे जाके बच्चों डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगा, कंडक्टर है ये भी, चलो चीज पक्की हो गई, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए कि सारे चार्जेस की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कंडक्टर के अंदर तो हो, है ना बच्चों, तो ये भी चीज हम लिख लेते हैं, ये भी चीज हम लिख लेते हैं बच्चों, यहां पर अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉपर्टी नंबर टू, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर टू, एनी एक्स्ट्रा चार्ज, दोबारा से लिख रहा हूं बच्चों आप सबके लिए मैं, एनी एक्स्ट्रा चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर, गिवन टू ए कंडक्टर, ओके, रिसाइड्स, रिसाइड मतलब रहता है, ओके, एक्स्ट्रा चार्ज रहता है, ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर, ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है बच्चों, कंडक्टर की सरफेस पे रहता है चार्ज, दिस चार्ज, ये जो चार्ज है बच्चों विल डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ, वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा खुद को, इटसेल्फ ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर, सरफेस ऑफ कंडक्टर पे बच्चों चार्ज अपने आप को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा such that net electric field inside conductor becomes zero, net electric field inside conductor becomes zero, ठीक है ना बच्चों, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर में बच्चों क्या हो जानी चाहिए, जीरो, ओके, इस तरीके से कोई डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा, ये भी पढ़ेंगे अभी आगे हम, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, ये भी पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए अभी इतना काफी है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, आगे क्या है हमारे पास, आगे बच्चों आती है प्रॉपर्टी नंबर थ्री, अब ये प्रॉपर्टी नंबर थ्री बच्चों क्या बोलती है, ये भी चीज देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर थ्री बच्चों क्या चीज बोलेगी, प्रॉपर्टी नंबर थ्री बच्चों बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, और वो प्रॉपर्टी क्या है कि कंडक्टर की सरफेस बच्चों इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है, ये हमारी प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चों, पहले लिख लेते हैं इसको कि सरफेस ऑफ कंडक्टर इज ए इक्वी पोटेंशियल सरफेस, सरफेस ऑफ कंडक्टर इज एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ओके बच्चों, जब भी मैं कंडक्टर बोल रहा हूँ ना बच्चों आपके दिमाग में कोई फिक्स शेप नहीं आनी चाहिए, कंडक्टर मतलब कंडक्टर किसी भी शेप का हो, ठीक है ना बच्चों, तो अब मैं किसी भी शेप का कुछ भी कंडक्टर बना देता हूँ, ठीक है ना बच्चों, ये मैंने कोई भी कंडक्टर की शेप बना दी, ये सारा का सारा बच्चों कंडक्टर है, और कंडक्टर के अंदर बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है, ठीक है बच्चों, कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चों वो जीरो है, तो बच्चों देखो ऐसा है,
वैसे तो इतना ही काफी है, ठीक है ना, कि कंडक्टर की सरफेस इक्विपोटेंशियल है, ठीक है बच्चों। फिर भी मैं आपको इसका एक छोटा सा रीजन बता रहा हूँ, ठीक है ना बच्चों, कि इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल जो होता है वो सरफेस पे वो बराबर होता है। मैं इसका रीजन बता रहा हूँ, इसका रीजन याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, ये प्रॉपर्टी याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना बच्चों। तो अगर रीजन आपको समझना है तो रहिए, वरना आप स्किप करके थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। ये चीज़ है, तो सरफेस ऑफ कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, और वो कैसे बच्चों, उसको हम कुछ कॉन्सेप्ट से समझेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कॉन्सेप्ट नंबर वन बच्चों, एक कंडक्टर पे अगर मैं कोई चार्ज दे दूं बच्चों, वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनती है, उसका नेचर, यस, उसका जो नेचर होता है बच्चों वो कॉन्जर्वेटिव नेचर होता है ना बच्चों। हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है वो कंजर्वेटिव फील्ड होती है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो यही है बच्चों, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है बच्चों। सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो पढ़ रहे हैं वो कंजर्वेटिव होती है नेचर में, ये हमें पता लग गया, ठीक है ना, याद दिला रहा था बस, आप सबको पता ही है वैसे तो, ठीक है ना बच्चों, ये चीज हो गई। अब कंसेप्ट नंबर टू बच्चों, कि कंजर्वेटिव फील्ड होती क्या है, ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है तो क्वेश्चन उठेगा दिमाग में, अगर कंजर्वेटिव है तो क्या करूँ, है ना बच्चों। तो अब कंजर्वेटिव है अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड तो क्या होगा बच्चों, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड, जो वर्क डन होता है बच्चों कंजर्वेटिव फील्ड का, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इज डिपेंडेंट ऑफ पाथ, ओके बच्चों। तो कंजर्वेटिव फील्ड का जो बच्चों काम होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, ओके। तो इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, तो 11th याद दिला रहा हूँ, इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ओके बच्चों, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है कंजर्वेटिव फील्ड का वर्क डन, ठीक है बच्चों। तो अब क्या होगा, क्या यहाँ पर होगा क्या बच्चों, तो देखो सीधी सीधी बात है, बहुत सीधी सीधी बात है बच्चों, इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज को अगर हम पहले यहाँ से यहाँ लेके आए सरफेस के S1 पॉइंट तक, और उसके बाद बच्चों यहाँ से यहाँ लेके आए इस P पॉइंट तक बच्चों, ठीक है ना, इस P पॉइंट तक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना काम किया, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड है बच्चों, ठीक है ना। तो वर्क डन कितना किया, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू S1, वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर रहे बच्चों, कुछ तो काम किया होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड ने इन्फिनिटी से लेके S1 तक, तो किया होगा, W1 लिख देते हैं इसको, ये लिख देते हैं, ठीक है बच्चों, इन्फिनिटी से S1, और फिर कितना काम किया बच्चों S1 से P, वो यहाँ पे आ जाएगा, वर्क डन फ्रॉम S1 से, तो पहले इन्फिनिटी से S1 तक कुछ काम किया होगा और फिर S1 से P कुछ काम किया होगा, तो हमने ऐसा लिख दिया बच्चों, ठीक है ना। तो ये चीज हमारी हो गई। अब अगर बच्चों मैं यहाँ पे, ये जो इन्फिनिटी है बच्चों, अगर मैं यहाँ से 1 कूलम को पहले इस पॉइंट तक लेके आता हूँ, ये सरफेस का पॉइंट बच्चों S2 ले लेते हैं, और फिर मैं उसको ऐसे यहाँ तक लेके आता हूँ P पॉइंट तक, तो बच्चों यहाँ पे जो वर्क डन किया इलेक्ट्रिक फील्ड ने वो कितना किया होगा, वर्क डन कुछ तो किया होगा इन्फिनिटी से S2 प्लस वर्क डन कुछ तो किया होगा S2 से P, ठीक है ना बच्चों, ये चीज आ गई। तो
हमने वर्क डन जो है इन्फिनिटी से एस वन उस तो किया हमने, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ने, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने कुछ तो काम किया इन्फिनिटी से एस वन, और फिर कुछ और काम किया एस वन से टी, तो टोटल काम बच्चों ये हो गया। ओके, वहीं पे बच्चों इन्फिनिटी से वन कूलम को यहां से यहां लेके आया गया और फिर यहां से यहां लेके आया गया बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस वन कूलम पे कितना काम किया इन्फिनिटी से एस टू, वो ये हो गया, और फिर एस टू से पी, वो ये हो गया। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है, और किसी भी रास्ते से बच्चों वन कूलम को मैं इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लेके आऊं, वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो यहां पे बच्चों वन कूलम इनिशियली इन्फिनिटी पे था, यहां पे भी बच्चों वन कूलम दूसरे इन्फिनिटी पे था, और दोनों को बच्चों वन कूलम को इन्फिनिटी से एक ही पॉइंट पे लेके आया गया पी पॉइंट तक, तो अलग अलग रास्तों से, है ना बच्चों। तो वर्क डन जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाल रहे हैं हम, जो कि हम कंजर्वेटिव फील्ड का निकाल रहे हैं, ये दोनों का सम बच्चों, वर्क डन जो है ये दोनों का ये सेम आना चाहिए, है ना बच्चों। ये वाला जो दोनों का सम है और ये वाला वर्क डन का जो बच्चों सम है, ये सेम आना चाहिए, क्योंकि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, है ना भाई। तो अब हम वो चीज बच्चों यहां पे लिखेंगे, ठीक है ना। तो वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी से एस वन प्लस वर्क डन फ्रॉम एस वन से पी शुड बी इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी से एस टू प्लस वर्क डन फ्रॉम एस टू से पी। ओके बच्चों, ये जो दोनों वर्क डन है ये सेम होने चाहिए, क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, दोनों वर्क डन सेम होने चाहिए, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम है, इसलिए ये दोनों वैल्यूज बच्चों सेम होनी चाहिए, साफ साफ बात है ना। अब ध्यान में देने वाली बात बच्चों क्या है, ध्यान में देने वाली बात बच्चों ये है कि S2 से P हम कंडक्टर के अंदर हैं, S2 से P बच्चों हम कंडक्टर के अंदर चल रहे हैं, और S1 से P भी बच्चों हम कंडक्टर के अंदर ही चल रहे हैं, है ना बच्चों। S2 P जो है वो भी कंडक्टर के अंदर वाला पाथ है, और S1 P भी जो है बच्चों वो भी कंडक्टर के अंदर वाला पाथ है, ये दोनों बच्चों पाथ जो है ये कंडक्टर के अंदर है, और कंडक्टर के अंदर बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही बच्चों कंडक्टर के अंदर जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर काम कैसे कर लेगी, वन कूलम पे काम ही नहीं कर पाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है बच्चों, तो उसका काम कैसे निकालोगे, है ना बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि S1 से P इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड S1 से P वो जीरो होना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। तो एक काम करते हैं, हमें और स्पेस की जरूरत पड़ रही है, इसको अगले पेज पे लेके जाते हैं, पेज की कमी थोड़ी ना है, समझेंगे अच्छे से, है ना बच्चों। तो हमने यहाँ पे देखो बच्चों क्या चीज़ पढ़ी, ये कोई भी हमारा कंडक्टर हो गया, इन्फिनिटी से बच्चों वन कूलम को मैं यहाँ से यहाँ लेके आया और फिर यहाँ से यहाँ लेके आया, हमने ऐसी चीज़ पढ़ी थी, है ना बच्चों। एस वन हो गया और ये पी पॉइंट, इन्फिनिटी से दूसरे रास्ते से वन कूलम को हम पहले यहाँ से यहाँ लेके आए एस टू पॉइंट तक, और फिर यहाँ से यहाँ लेके आए पी पॉइंट, ठीक है ना, ऐसे ऐसे दो रास्ते हैं बच्चों, अलग अलग दो अलग अलग रास्ते हैं, ठीक है, एक यहाँ से लेके यहाँ तक का, और फिर एक यहाँ से लेके यहाँ तक का, एक यहाँ से लेके यहाँ तक का, और एक यहाँ से, बच्चों दो अलग अलग रास्ते। और हमने ये भी देख लिया कि वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी से एस वन प्लस वर्क डन फ्रॉम एस वन से पी शुड बी इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी से एस टू एंड वर्क डन फ्रॉम एस टू से पी, ठीक है ना बच्चों। तो ये चीज़ हमने देख ली, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड, है ना बच्चों, बिकॉज हमारा कंजर्वेटिव है। ओके, तो वर्क डन बाय बिटवीन सेम पॉइंट्स
वाया एनी पाथ, सेम ओके बच्चों, सेम होना चाहिए, वो हमने लिख लिया, ठीक है, ये चीज है। अब बच्चों इन दोनों की बात करनी है, बात करनी है। ये चीज मैंने क्या बताई आपको, ये भी चीज जो होगी, ये भी चीज, अब ये दोनों चीज जो की हो जाएंगी बच्चों, वर्क डन फ्रॉम S1 टू शुड बी इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम S2 टू एंड इट शुड बी इक्वल टू जीरो। व्हाई? बिकॉज एस वन पी एंड एस टू पी आर इनसाइड कंडक्टर, बच्चों ये कंडक्टर के अंदर हैं, वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो वर्क डन भी बच्चों जो होना चाहिए ठीक है ना बच्चों, वर्क डन भी जो है बच्चों एस वन से पी तो एस टू वाला पी भी जीरो, बिकॉज ये चीज जीरो है। तो इसका मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी से S1 वाला वर्क डन और इन्फिनिटी से S2 वाला वर्क डन बच्चों सेम आ जाएंगे, इन्फिनिटी से S1 इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी से S2, और बच्चों ये हमारा माइनस डेल्टा V होता है, बच्चों ये क्या होता है हमारा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये कंजर्वेटिव फील्ड है ना बच्चों, ये माइनस डेल्टा V हो, माइनस डेल्टा V बच्चों कितना होता है, माइनस ऑफ V फाइनल माइनस V इनिशियल। इनिशियली बच्चों हम कहाँ से ला रहे हैं, ये V इन्फिनिटी माइनस V सरफेस आ जाएगा, और इन्फिनिटी में बच्चों पोटेंशियल हम जीरो ले लेते हैं ठीक है ना बच्चों, ये चीज़ हमारी आ जाएगी। क्या ये बात बच्चों आप सबको समझ में आई, ठीक है ना। तो जब वर्क डन बाय इन्फिनिटी से S1 और इन्फिनिटी से S2 माइनस वी एस आ रहा है, दोनों पॉइंट पे बच्चों जो पोटेंशियल है S1 पे भी और S2 पे भी बच्चों सेम आ रहा है ठीक है ना। तो इसका मतलब बच्चों साफ साफ ये हो गया कि सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा कंडक्टर के वो सेम होगा हर जगह, क्योंकि कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों जीरो है, वहीं से तो ये देखो आप ओके बच्चों, ये चीज हमारी बहुत ज्यादा क्लियर हो गई कि कंडक्टर के किसी भी पॉइंट सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे बच्चों पोटेंशियल जो होगा वो हर जगह बच्चों सेम होगा ओके। तो आई होप ये चीज बच्चों आप सबको भी क्लियर हो गई होगी। अच्छा इनफैक्ट इसमें हम एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं, वन मोर पॉइंट ओके, तो हम नोट कर सकते हैं वन मोर पॉइंट टू बी नोटेड भाई, क्या है बच्चों यहाँ पे कि ये कोई भी हमारा कंडक्टर है, ये कोई भी बच्चों हमारा कंडक्टर है, अगर कंडक्टर के किसी सरफेस वाले पॉइंट पे बच्चों पोटेंशियल V है तो इस पॉइंट पे भी बच्चों पोटेंशियल V होगा, क्योंकि पॉइंट नंबर वन से पॉइंट नंबर टू तक इलेक्ट्रिक फील्ड नेट बच्चों जीरो है, इसका मतलब वर्क डन बाय ई नेट कि बच्चों माइनस ऑफ डेल्टा वी होता है वो भी जीरो हो जाएगा कंडक्टर के अंदर। अगर डेल्टा वी जीरो है बच्चों, यहाँ पे देखो डेल्टा वी जीरो है, वन माइनस वी जाएगा वी वन है ना बच्चों, जब पोटेंशियल यहाँ पर अगर वी है यहाँ पे भी बच्चों वी होना, कंडक्टर के सरफेस पे बच्चों जो भी पोटेंशियल होगा, कंडक्टर के सरफेस पे बच्चों जो भी पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पे होगा ठीक है ना बच्चों, क्योंकि कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ओके बच्चों। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है बच्चों उसका वर्क डन भी नहीं होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन नहीं हुआ तो ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों एनर्जी देगी किसी को, ना ही एनर्जी लेगी, इसका मतलब उसने अपनी जेब से ना ही एनर्जी दी ना ही एनर्जी ली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जेब में जितनी भी एनर्जी थी जितना भी पोटेंशियल था बच्चों वो सेम रहा ठीक है ना, वो चेंज नहीं हुआ ना बड़ा ना घटा। तो यहाँ पे बच्चों जो पोटेंशियल वी था उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे भी रहेगा वी ओके। ये हमारा एक पॉइंट नोट करना है कि एट एनी पॉइंट इनसाइड कंडक्टर
एट एनी पॉइंट साइड कंडक्टर पोटेंशियल विल बी सेम एज दैट ऑफ पोटेंशियल ऑन। ओके बच्चों, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज याद रखना। और बच्चों यहाँ पे ना, जब मैं बार बार पोटेंशियल 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 लिखता रहता हूँ ना, बच्चे में से बार बार भूल जाते हैं कि पोटेंशियल होता क्या है। बच्चों पोटेंशियल इज द पोटेंशियल एनर्जी और वन कूलम, ठीक है ना बच्चों। तो पोटेंशियल भी एक एनर्जी ही है, ठीक है ना, वन कूलम चार्ज की। ठीक है बच्चों, ये चीज याद रखना, पोटेंशियल का मतलब वन कूलम चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ये चीज हमारी हो गई। तो अब ये हमारा बच्चों, ये सारा कंसेप्ट हमने क्लियर कर दिया, ठीक है ना। और आपको बेसिकली बस याद क्या रखना है इन सब चीजों में से, आप बाकी सारी चीजें याद रखना सकते हो, वेरी गुड, लेकिन आपको मेन चीज तो बच्चों याद होनी चाहिए। वो क्या याद होनी चाहिए? कंडक्टर की सरफेस इक्विपोटेंशियल होती है। कंडक्टर की सरफेस के हर पॉइंट का बच्चों जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। एक तो ये बात याद रखनी है, दूसरी बात बच्चों ये याद रखनी है, ठीक है ना, कि किसी भी पॉइंट पे बच्चों जो कंडक्टर के अंदर का पॉइंट है, कंडक्टर के मटेरियल में बच्चों कोई भी पॉइंट होगा, सभी का पोटेंशियल सेम होगा। और वो किसके बराबर होगा बच्चों? उस पोटेंशियल के बराबर होगा जो कंडक्टर के सरफेस पे है। ओके, ये चीज हमारी भी क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। आगे बच्चों एक क्वेश्चन है छोटा सा, देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बच्चों ये है, अ चार्ज क्यू, एक छोटा सा चार्ज है क्यू, रहा चार्ज क्यू, ठीक है बच्चों, ये रहा चार्ज, इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ न्यूट्रल, दोबारा से न्यूट्रल मेटालिक स्फीयर दे दिया बच्चों, फिर से न्यूट्रल मेटालिक स्फीयर दे दिया, ठीक है। तो ये एक न्यूट्रल मेटालिक स्फीयर है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है बच्चों। जो भी इसमें चार्ज इंड्यूस होगा, जितना नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, टोटल इंड्यूस चार्ज बच्चों जो रहेगा। ओके, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब बच्चों में पोटेंशियल निकालना है, कहां पे निकालना है और किसकी वजह से निकालना बच्चों पोटेंशियल? ड्यू इंड्यूस चार्ज, बच्चों हमें इंड्यूस चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना है सेंटर ऑफ द स्फीयर पर। सेंटर ऑफ द स्फीयर पे हमें पोटेंशियल निकालना है इंड्यूस चार्ज की वजह से, क्योंकि हम निकाल चुके हैं, जीरो होता है ना बच्चों, अभी तो निकाला था हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन, ये वाला पार्ट हम स्किप करेंगे, हम पोटेंशियल नहीं निकालने वाले, टाइम वेस्ट होगा वरना नाउ। और हमें और कहाँ पोटेंशियल निकालना है बच्चों? इंड्यूस चार्ज की वजह से हमें पोटेंशियल निकालना है एट एनी पॉइंट इन साइड कंडक्टर, और पॉइंट पे बच्चों कंडक्टर के अंदर, ठीक है ना। एक पॉइंट में बच्चों यहां ले लेता हूं, हमें यहां पोटेंशियल निकालना है विच इज आर डिस्टेंस अवे फ्रॉम चार्ज क्यू। ये आर डिस्टेंस पे है चार्ज क्यू से, हमें इस पॉइंट पे बच्चों इंड्यूस चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना है। ओके बच्चों, तो अब इसका सॉल्यूशन कैसा होगा? बहुत सिंपल होगा, बहुत ज्यादा सिंपल है बच्चों, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत सिंपल, पहले हम सेंटर पे पोटेंशियल निकाल, पहले हम निकालते हैं बच्चों, हमें ये साफ साफ पता है, यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा बहुत सारा, क्योंकि कंजस्टेड होगा, है ना, छोटी सी जगह में भरा हुआ चार्ज है बच्चों, की डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। इतना ही पॉजिटिव चार्ज बच्चों जो इंड्यूस होगा वो यहाँ पे फैला हुआ होगा, इसकी ये इतना भिचका हुआ चार्ज नहीं होगा बच्चों, ये थोड़ा सा फैला हुआ चार्ज होगा, इसकी डेंसिटी नेगेटिव इंड्यूस चार्ज के डेंसिटी से कम होगी, है ना। टोटल चार्ज बच्चों हमें पता है जीरो है। पीसी बच्चों हमने निकाल रखा है, पीसी यहाँ पे जो होगा सेंटर पे जो बच्चों जो पोटेंशियल होगा, एक तो इस क्यू की वजह से होगा जो कि डी डिस्टेंस पे, वी ड्यू टू प्लस क्यू एंड वी इंड्यूस चार्ज, ठीक है ना बच्चों। तो सेंटर पे जो बच्चों प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल आएगा, ये क्यू बाई डी आएगा, और इंड्यूस चार्ज की वजह से बच्चों हमने क्या सीखा था, यहाँ पे अगर मैं कोई चार्ज ले लेता हूँ डी क्यू,
बच्चों ये डिस्टेंस सारे इंड्यूस चार्जेस का बच्चों ये डिस्टेंस ए रहेगा, ठीक है ना बच्चों, के डी क्यू अपॉन ए। तो बच्चों जितने भी इंड्यूस चार्जेस हैं उन सभी के पोटेंशियल में एक तो के आएगा, और सभी चार्जेस का बच्चों सेंटर से डिस्टेंस ए है तो नीचे ए भी आएगा। बच्चों जब मैं टोटल इंड्यूस चार्ज का पोटेंशियल निकालने के लिए इंटीग्रेट करूंगा तो के बाय ए बाहर आ जाएगा, खाली इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू होगा और ये बच्चों टोटल इंड्यूस चार्ज हो गया। ये हो गया हमारा टोटल इंड्यूस्ड चार्ज वैल्यू बच्चों का, मतलब सेंटर पे जो बच्चों पोटेंशियल आया के क्यू डी आ गया, ठीक है ना बच्चों, ये चीज अपनी आ गई, ये अपना क्लियर है, ठीक है ना, ये मस्त है, ये क्लियर है बच्चों, बहुत सिंपल सा है ये हमने पिछले क्वेश्चन में निकाल के भी देख लिया और उसमें एक्सप्लेन भी कर दिया और आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है ना बच्चों। अब भी हमें क्या करना है, अभी हमें क्या करना है, अभी बच्चों हमें इंड्यूस चार्ज की वजह से, हमें इसी चार्ज की वजह से बच्चों पोटेंशियल निकालना है किसी ऐसे पॉइंट पे इनसाइड हो कंडक्टर के और आर डिस्टेंस अवे हो चार्ज क्यू से बच्चों, हमें इस पी पॉइंट पे बच्चों टोटल पोटेंशियल नहीं निकालना, टोटल पोटेंशियल नहीं निकालना बच्चों, हमें इंड्यूस चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना है इस पी पॉइंट पे। बताओ जरा, सोच जरा कैसे करेंगे, फटाफट कमेंट करो, बताओ कैसे करेंगे बच्चों, तो पॉज करो यहीं पर ही, वीडियो को चलाना मत बच्चों, तो पॉज करो, दिमाग लगाओ खूब और इसको सॉल्व करने की करो, जब थक जाओगे तो वीडियो कंटिन्यू करना बच्चों सॉल्यूशन देखने के लिए, पर इसको एक बार दिमाग लगा के बच्चों करने की जरूर कोशिश करना, ठीक है, क्योंकि बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है और जितनी प्रॉपर्टीज अभी आपको मैंने करवाई हैं उसमें ही हो जाएगा ये, ठीक है बच्चों। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, देखो जरा कैसे करेंगे इसको हम। अभी मेरे को बच्चों ये बताओ कि कंडक्टर के अंदर कोई भी पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है सेम होगा कि नहीं होगा, अभी तो पढ़ा था हमने ऐसे पॉइंट्स जिनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ही ना हो, तो दो पॉइंट्स के बीच में बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, उन दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड काम भी नहीं करेगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ने बच्चों काम नहीं किया तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस डेल्टा वी होता है बच्चों, डेल्टा वी भी क्या आ जाएगा, जीरो। अगर डेल्टा वी बच्चों जीरो आया तो उन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा, है ना बच्चों। अभी अभी हमने लास्ट वाली स्लाइड में इंपॉर्टेंट बना के यही चीज पढ़ी है कि किसी भी पॉइंट पे बच्चों कंडक्टर के अंदर जो भी पोटेंशियल होगा वो सेम होगा उस पोटेंशियल के जो सरफेस पे है, ओके बच्चों, ये चीज अभी अभी हमने पढ़ी है, ये चीज हमने यहाँ पे पढ़ ली, ठीक है ना बच्चों। सेंटर पे जो भी पोटेंशियल होगा, सेंटर पे बच्चों वो भी पोटेंशियल होगा विच इज के क्यू अपॉन डी, वही पोटेंशियल बच्चों पी पॉइंट पे भी होगा, पी पॉइंट पे बच्चों वही पोटेंशियल होगा, है ना। और ये जो क्यू है ये इससे तो बच्चों डी डिस्टेंस की है लेकिन इससे बच्चों आर की डिस्टेंस की, और यहाँ पे इंड्यूस चार्जेस भी होंगे, अभी मैं वो बना नहीं रहा, ठीक है, ये इंड्यूस चार्जेस होंगे बच्चों को बना नहीं रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चों तो है क्यू पे बच्चों आप क्या लिखोगे, वी पी पे जो पोटेंशियल होगा एक तो इस क्यू चार्ज की वजह से होगा, और इसी पॉइंट पे बच्चों जो पोटेंशियल होगा वो इंड्यूस चार्ज की वजह से भी होगा, ठीक है ना बच्चों। अब इंड्यूस चार्ज की वजह से बच्चों पी पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, क्योंकि पहले हम पोटेंशियल निकाल रहे थे बच्चों सरफेस पे, सॉरी सेंटर पे निकाल रहे थे, है ना बच्चों। अभी हम पोटेंशियल कहाँ निकाल रहे थे, सेंटर पे। चार्जेस कहाँ हैं सारे बच्चों, सरफेस पे, और सारे इंड्यूस चार्जेस का जो डिस्टेंस था सेंटर से बच्चों सेम था, तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। यहाँ पे बच्चों अगर मैं इंड्यूस चार्जेस बनाता हूँ तो इस नेगेटिव इंड्यूस चार्ज का बच्चों डिस्टेंस यहाँ से ज़्यादा है, दिख रहा है आपको, है ना बच्चों। अगर मैं यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज बनाता हूँ तो इसका डिस्टेंस अलग है, ये पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस अलग है, ये पॉजिटिव चार्ज का बच्चों डिस्टेंस अलग है, सभी इंड्यूस चार्जेस का
अलग अलग डिस्टेंस होगा बच्चों इस पी पॉइंट से। तो अगर आप ये इंटीग्रेशन निकालने बैठे बच्चों तो बाल सफ़ेद हो जाएंगे, मतलब निकलेगा नहीं, लंबा टाइम लगेगा बहुत, ठीक है ना बच्चों। तो हमें इस तरीके से नहीं करना, ये बहुत ही बेकार तरीका हुआ, ठीक है ना बच्चों, ऐसा सर नोचते रह जाओगे। तो अब पी पॉइंट पे बच्चों पोटेंशियल कितना है, पी पॉइंट पे बच्चों इतनी पोटेंशियल होगा जितना अभी अभी सीखा ए क्यू बाई डी, और बच्चों प्लस क्यू इससे आर डिस्टेंस की दूरी पे है, तो प्लस क्यू की वजह से बच्चों पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्ज बच्चों, है ना बच्चों, पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्ज वो कितना आ जाएगा, के क्यू डी माइनस के क्यू आर, नेगेटिव पोटेंशियल आएगा बच्चों, आर बड़ा है ना डी से, नहीं हाँ तो पॉजिटिव ही आ रहा है, पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा ऑब्वियसली, जब के क्यू बाई डी पॉजिटिव पोटेंशियल है तो सी पॉइंट पी पॉइंट पे भी नेट पोटेंशियल बच्चों पॉजिटिव ही आएगा, और इंड्यूस चार्ज की वजह से बच्चों ये पोटेंशियल आएगा, डी छोटा है आर से, ये वाली क्वांटिटी बच्चों बड़ी हो जाएगी और ये वाली क्वांटिटी छोटी हो जाएगी, तो ये नेट पोटेंशियल भी पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है बच्चों, करके देखना इसको अपने आप, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी क्या क्या कॉन्सेप्ट बच्चों मैंने यहाँ पे लगाए हैं। ये पी पॉइंट और ये जो सी पॉइंट है ये दोनों कंडक्टर के अंदर है, दो पॉइंट्स जो कंडक्टर के अंदर है उन दोनों का बच्चों सेम पोटेंशियल होता है, ठीक है ना बच्चों। सबसे इजीली आप पोटेंशियल कहाँ निकाल सकते हो, जल्दी से बताओ, सबसे इजीली बच्चों आप पोटेंशियल कहाँ निकाल सकते हो, सबसे इजीली पोटेंशियल बच्चों आप सेंटर पे निकाल सकते हो। तो हमेशा जब भी कंडक्टर का पोटेंशियल बच्चों पूछा जाए, हमेशा सबसे पहले जाके सेंटर का पोटेंशियल निकाल देना, ठीक है ना बच्चों, क्योंकि जो भी सेंटर का पोटेंशियल होगा वो कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल होगा, है ना बच्चों। अब जो सेंटर का पोटेंशियल है वही पी का नेट पोटेंशियल है, पी पी को बच्चों हमने के क्यू बाई डी लिखा, और पी पॉइंट पे बच्चों जो पोटेंशियल होगा वो दो टाइप के चार्जेस की वजह से होगा, एक इस क्यू चार्ज की वजह से और एक इंड्यूस चार्ज की वजह से, तो वो यहाँ पे लिखा मैंने। अब बच्चों इस क्यू चार्ज की वजह से मैं पोटेंशियल यहाँ निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है पूरी हमको दे रखी है, तो यहाँ पोटेंशियल हमारा आ जाएगा के क्यू बाई आर और फिर वी इंड्यूस, तो बच्चों वी इंड्यूस मैं निकाल सकता हूँ आराम से माइनस करके, ठीक है ना, जो कि पॉजिटिव आने वाला है, क्लियर हो गया बच्चों। फटाक से सॉल्व किया बिना इंटीग्रेशन के और बहुत ही सिंपल कंडक्टर की प्रॉपर्टीज यूज करके बच्चों, ठीक है। तो अब हम इसमें और आगे बढ़ते हैं, हाँ जी, ये नेक्स्ट और क्वेश्चन आया बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही जाना माना क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, ऐसे मार्केट के अंदर बच्चों हजारों क्वेश्चन घूमते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर इनमें से कोई एक ऐसा क्वेश्चन उठ के जेई मेंस में आ भी जाए तो, ठीक है बच्चों। एडवांस तो थोड़ा सा दूर हम जाएंगे, एडवांस के क्वेश्चन बच्चों हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, ठीक है ना, जिसमें मतलब सोच के ना दिमाग फट जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं बच्चों जिसमें मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स लगेंगे कंडक्टर्स के, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जो है बच्चों जरूर अटेंड करना, हम तीन ही क्वेश्चन करेंगे लेकिन बहुत अच्छे अच्छे से बच्चों समझ समझ के करेंगे, ठीक है ना, ये है, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, याद रखना। ये देखो बच्चों, दो मेटल स्फीयर्स हैं, रेडियाई 16 सेंटीमीटर के और 20 सेंटीमीटर के, जिनका चार्ज बच्चों कितना दे रखा है, 10 नैनोकूलम एंड 6 नैनोकूलम, दे आर रिस्पेक्टिवली। बच्चों एक काम करते हैं, इसको मैं ले लेता हूँ R1 और इसको मैं ले लेता हूँ R2, इसको मैं ले लेता हूँ Q1 और इसको बच्चों मैं ले लेता हूँ, ओके बच्चों। तो दो स्फीयर्स हैं हमारे पास, दे आर रिस्पेक्टिवली कनेक्टेड बाय अ वायर, हमें बच्चों कॉमन पोटेंशियल निकालना उनका, हमें उनका कॉमन पोटेंशियल निकालना है। इसमें बच्चों एक चीज और है, दे आर सेपरेटेड, दे आर केप्ट फ्रॉम ईच अदर एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, ओके। इसमें एक चीज और ऐड करो बच्चों, हम यहाँ पे अज्यूम करके क्या चलते हैं, अजम्पशन हमारी बच्चों क्या है, अज्यूम दैट बोथ स्फीयर्स आर वेरी फार अवे, के बच्चों ये क्वेश्चन और चीज ऐड करनी बहुत दूर है बच्चों, स्फीयर्स है ना वो एक दूसरे से काफी दूर है, ठीक है ना बच्चों, काफी दूर है, और फिर हमने उन दोनों को बच्चों
कनेक्टेड कर दिया एक कंडक्टिंग वायर से, ठीक है ना बच्चों। तो सबसे पहले अभी हम कनेक्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले हम स्टेप वन देखेंगे। स्टेप वन, तो स्टेप वन बच्चों क्या है कि ये एक स्फीयर हो गया जिसका चार्ज है क्यू वन और जिसका रेडियस है बच्चों आर वन। ये एक और स्फीयर है बच्चों जिसका चार्ज है क्यू टू और उसका रेडियस है बच्चों आर टू, ठीक है बच्चों। तो ये इन दोनों के बीच में जो बच्चों डिस्टेंस है ना, दिख आपको पास पास रहे हैं कि बॉडी मेरे पास इतना सा है, ठीक है ना बच्चों। तो ये दो स्फीयर्स हैं और इनके बीच में बच्चों डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तभी सॉल्व होगा ये, ठीक है ना बच्चों। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा मानना है, ओके। अब अगर डिस्टेंस बच्चों बहुत ज़्यादा है और इन देखो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी, इसका मतलब हम मान के चल रहे हैं कि डिस्टेंस जो है बच्चों क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो इनके बीच में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है बच्चों, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जो कंडक्टर है हमारा, इसका पोटेंशियल बच्चों कितना हो जाएगा, के वन अपॉन आर वन। यस एवरीवन, एग्रीड, फेयर है। फेयर पे अगर आप कोई भी चार्ज देते हो क्यू वन, तो उसके सरफेस से बच्चों पोटेंशियल हमने के क्यू बाई आर वन ये पढ़ा हुआ है, ओके। इसका बच्चों पोटेंशियल कितना आ जाएगा, के वन आर टू। हमें पोटेंशियल बच्चों बाहर निकालना है सरफेस पे। जब भी हम हॉलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर, इसका पोटेंशियल निकालते हैं सरफेस पे, जो कि स्फीयर के बाहर वाला पॉइंट होता है। स्फीयर को बच्चों एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं, और अगर मैं स्फीयर को एक पॉइंट चार्ज से ट्रीट करूंगा, यहाँ रखा होगा सेंटर पे, तो जैसे बच्चों आर टू डिस्टेंस पे पोटेंशियल तो यही होगा, स्फीयर का सरफेस हो गया, है ना बच्चों। के क्यू वन बाई आर वन एंड के क्यू टू बाई आर टू। बच्चों वैल्यू कितनी आएगी अब वो देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 क्यू वन। वन बच्चों क्यू वन कितना है, 10 नैनो कूलम, मतलब इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, ओके, डिवाइडेड बाय आर वन। आर वन बच्चों कितना है, 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ओके बच्चों। ये चीज़ अपनी कट गई, ये 10 टू द पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा, 10 टू द पावर प्लस 2 जाएगा, और फिर वो 10 से भी मल्टीप्लाई होगा बच्चों, 1000 हो जाएगा। तो 9000 बाई 16 आया बच्चों ये, ओके बच्चों, ये कितना आ गया हमारे पास, 9000 बाई 16। अब बच्चों v2 निकाल के देखते हैं, तो k कितना होगा बच्चों, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 q2 बच्चों कितना है, 6 नैनो कूलम, नैनो का मतलब 10 टू द पावर माइनस 9, डिवाइडेड बाय बच्चों r2 कितना बच्चों, 20 सेंटीमीटर, 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ओके बच्चों। तो ये चीज़ कट जाएगी हमारे पास, ये 10 टू द पावर माइनस 2 बच्चों ऊपर जाएगा, चलो इसको ना 2 से भी काट देते हैं, ये 10 हो जाएगा बच्चों, ये 3 हो जाएगा, ये 2700 बाई 10 यानी कि 70 वो आ जाएगा, है ना बच्चों। सॉल्व करके देखो जरा, गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने, 700 बाई 10 सही है ना, हाँ 270 वोल्ट्स, ओके बच्चों। अभी इसको अगर हम देखें 16 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करके देखो बच्चों, 70 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 16, देखो दोनों में 16 आ रहा है ना बच्चों। अब भी अगर ये 200 है, मान लो ये तो 270 हमने लिया है ना, इसको 100 मान लो, तो 200 इंटू 16, अरे मल्टीप्लाई करके देखो सीधा सीधा, 27 इंटू 16 बच्चों कितना आ जाएगा, 6 7 42 4 6 2 12 12 और 4 16, और फिर यहाँ पे बच्चों 27, यहाँ पे 2, यहाँ पे 13, 6 और 7 बच्चों 13 ही, क्या हो गया मेरी, है ना बच्चों। तो 13 ही तो होता है, 1 आ जाएगा, ये 432, ठीक है ना बच्चों। तो ये 432 आ गया, तो अगर मैं इसको करके देखूंगा बच्चों, 430 अपॉन, तो बच्चों किसका पोटेंशियल ज़्यादा है ये बताओ, किसका पोटेंशियल ज़्यादा है, V1 का पोटेंशियल ज़्यादा है, ये इस सरफेस का पोटेंशियल बच्चों 9000 बाय 16 है, उसका पोटेंशियल बच्चों 4000 समथिंग बाय 16 है, तो किसका पोटेंशियल बच्चों ज़्यादा है जल्दी से बताओ।
जल्दी से बताओ बच्चों, तो वी वन है वो वी टू से बच्चों बड़ा है, वी वन जो है बच्चों वो वी टू से बड़ा है, ठीक है बच्चों। अब अगर मैं इन दोनों के बीच में वायर से कनेक्ट कर दूंगा, चार्जेस बच्चों खल रहे हैं, क्योंकि चार्जेस जो होते हैं वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करते हैं बच्चों, ये हम सबको पता है ना, टेंथ क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। पानी कहाँ से कहाँ गिरता है, ऊपर से नीचे, हाई पोटेंशियल एनर्जी होती है ऊपर और नीचे होती है लो पोटेंशियल एनर्जी। अगर हमें लो से हाई चढ़ाना हो बिल्डिंग के नीचे से बच्चों, ज़मीन से टंकी के में पानी अगर चढ़ाना हो तो मोटर लगानी पड़ती है, क्योंकि पानी नीचे से ऊपर अपने आप नहीं जाता, हमें पंप लगाना पड़ता है, मोटर लगानी पड़ती है ना बच्चों। पानी अपने आप कहाँ कहाँ से कहाँ गिरता है बच्चों, हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी गिरता बच्चों। ये पेन में बच्चों अपना आप छोड़ दूंगा तो ये कहाँ गिरेगा, हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी बच्चों। हवा, हवा बच्चों कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हीट, हीट बच्चों कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, ठीक है बच्चों। वैसे ही ये पॉजिटिव चार्जेस कहाँ से कहाँ फ्लो करेंगे, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो बच्चों वी वन पे हाई पोटेंशियल है, वी टू पे लो पोटेंशियल है, तो चार्जेस इस वाले स्फेयर को छोड़कर वाले स्फेयर तक जाएंगे, और कब तक जाएंगे ये बताओ जरा, जल्दी से बताओ। जैसे जैसे बच्चों इस पर चार्ज कम होता जाएगा, इसका पोटेंशियल कम होता जाएगा, वी वन कम होता चला जाएगा, और जैसे जैसे बच्चों इस पर चार्ज बढ़ता जाएगा, यहाँ का चार्ज वहाँ जा रहा है, इसका पोटेंशियल बच्चों कम होता जाएगा, इसका पोटेंशियल बच्चों बराबर होता बड़ा होता चले जाएगा, कभी ना कभी तो बच्चों पोटेंशियल दोनों के बराबर आ जाएंगे, है ना बच्चों। इसका पोटेंशियल कहाँ पर है, ऊपर हाई, इसका पोटेंशियल बच्चों कम है, ठीक है ना। जब इससे चार्ज बच्चों कम होता जाएगा, क्योंकि हमने क्या बोला, हम इस वाले स्फेयर को बच्चों कनेक्ट कर रहे हैं इस वाले स्फेयर से, है ना बच्चों। तो ये चार्ज हाई पोटेंशियल पे है और ये चार्ज बच्चों लो पोटेंशियल पे है, ठीक है। ये चार्ज हाई से लो भागना चाहता है, ये चार्ज बच्चों इस स्फेयर से उस स्फेयर तक जाना चाहता है, पर रास्ता ही नहीं है, है ना बच्चों। रास्ता का दे दिया हमने, रास्ता ही नहीं है, है कि नहीं बच्चों। यहां पर ये चीज है, अगर मैं इस दीवार को बच्चों गर्म कर दूं और इस दीवार को बिल्कुल ठंडा कर दूं, यहां की हीट बच्चों निकल के हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर इस तरफ जाना चाहती है, पर मैंने बीच में कुछ जोड़ा ही नहीं तो जा ही नहीं पाएगी, है ना बच्चों। लेकिन अगर मैं एक रॉड लगा दूं, कंडक्टिंग रॉड बच्चों, हीट उसमें से निकल के यहां से यहां चली जाएगी, है ना बच्चों। ये चीज है, तो वैसे ही बच्चों यहां का चार्ज जो हाई पोटेंशियल पे है वो उछल रहा है, ठीक है ना, और बच्चों जाना चाहता है लो पोटेंशियल की तरफ, पर रास्ता ही नहीं है। तो जैसे ही बच्चों हमने वायर कनेक्ट किया, जैसे ही हमने वायर कनेक्ट किया बच्चों, इसका चार्ज जो कि हाई पोटेंशियल पे है वो फ्लो करेगा लोअर पोटेंशियल की तरफ, ठीक है ना बच्चों। ये जो लोअर पोटेंशियल है वहां पे जाएगा, तो इस पे चार्ज बढ़ता जाएगा बच्चों, इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, इसका चार्ज बच्चों कम होता जा रहा है, तो इसका पोटेंशियल घटता जाएगा, दूसरा पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, धीरे 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 करके बच्चों ये बराबर पे आ जाएंगे। जैसे ही दोनों के पोटेंशियल बच्चों बराबर आ गए, चार्ज का फ्लो बंद, सिस्टम वहीं रुक जाएगा, है ना बच्चों। ये चीज होती है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, सिंपल सिंपल सी बात है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया तुमको, सिंस वन इज ग्रेटर देन वी टू, चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल पर पोटेंशियल, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है ना बच्चों, लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। नेगेटिव चार्ज बच्चों पॉजिटिव का हमेशा उल्टा करता है ना बच्चों,
तो वो लोअर से हायर मूव करता है, ये हायर से लोअर ही मूव करेगा बच्चों, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, कब तक, टिल पोटेंशियल बिकम्स इक्वल, टिल पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। बच्चों ये जो जिस पे Q1 चार्ज था, इसमें से Q चार्ज निकल के वायर के थ्रू दूसरे चार्ज पे चला गया, दूसरे चार्ज पे बच्चों चला गया, और अब इन दोनों का पोटेंशियल फाइनली सेम हो चुका है। तो बच्चों इसका जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, K1 - Q/R1, क्योंकि इसका रेडियस तो बच्चों R1 है। इसका पोटेंशियल बच्चों कितना हो चुका होगा, K+Q/R2, ठीक है ना बच्चों। इसमें से कुछ चार्ज निकल के वहां चला गया, जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं होंगे, ये चार्ज बच्चों निकल के वहां चला गया होगा, तो अब पोटेंशियल सेम हो गया, ठीक है ना बच्चों। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, ये बच्चों काम थोड़ा सा आप करोगे, हम यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, फाइंड क्यू। फीडिंग बहुत गलत बात है, हर चीज मैं सॉल्व नहीं करूंगा बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों इन दोनों को बराबर करके क्यू की वैल्यू जो है वो आप निकालोगे, की वैल्यू बच्चों आप निकालोगे, एंड देन कॉमन पोटेंशियल जो है बच्चों, कॉमन पोटेंशियल, ये वही तो कॉमन पोटेंशियल है कॉमन। तो बच्चों कॉमन किसके बराबर होगा, K1 - R1। तो बच्चों पहले इन दोनों को सॉल्व करके क्यू वैल्यू निकालना, फिर उस क्यू को बच्चों इसमें डाल देना, इन दोनों में से किसी एक में डाल देना, ताकि आपका वी कॉमन आ जाए, ठीक है ना बच्चों। ये चीज आपको सॉल्व करनी है, ऑप्शंस मैंने लिख रखे हैं बच्चों, तो उन ऑप्शंस में से देखना कौन सा आंसर मैच करना है, और कमेंट जरूर करना, ठीक है ना बच्चों। आगे बढ़ते हैं, तो बच्चों अब हम आ जाते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 पर। हमने तीन प्रॉपर्टी पढ़ ली बच्चों, और तीनों आपने देखी कितनी इंपॉर्टेंट है, जब मैं उनको क्वेश्चंस में लगा रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे फट से सॉल्व हो रहा है ना, ज्यादा मैथमेटिक्स बच्चों की लग रही है, सीधी सीधी बात लग रही है ना बच्चों। तो पहला था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों जीरो हो जाएगी कंडक्टर के मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में। दूसरा बच्चों क्या है कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर के मटेरियल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो कंडक्टर के अंदर कोई भी गॉसियन सरफेस बनाओगे उसका फ्लक्स जीरो हो जाएगा बच्चों। फ्लक्स जीरो होगा तो क्यू एनक्लोज भी जीरो होगा, इसका मतलब बाहर से कोई भी चार्ज डालोगे बच्चों, आप बाहर से आप अगर कोई भी चार्ज डालते हो बच्चों कंडक्टर में, तो वो फटाफट सरफेस पे आ जाएगा, क्योंकि वो कंडक्टर के अंदर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं रुक सकता, क्यू एनक्लोज बच्चों जीरो होना चाहिए, वो सरफेस पे आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस तरीके से कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो हो जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी बच्चों हमने क्या चीज पढ़ी, कंडक्टर की जो सरफेस होती है उसके हर पॉइंट का पोटेंशियल बच्चों बराबर होता है, ये मेन चीज है याद रखने वाली। हालांकि मैंने आपको इसका रीजन भी समझा दिया है, वो रीजन बच्चों जरूरी है, आपको देखना है तो आप देख सकते हो, वरना आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है ना बच्चों। तो ये चीज हमने पढ़ ली, उस पर क्वेश्चन भी कर लिए बच्चों। अब हम आ जाते हैं कंडक्टर की प्रॉपर्टी नंबर 4 के ऊपर। तो बच्चों कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है वो किस चीज पर डिपेंड कर रही है, सबसे बड़ी बात तो बच्चों इस चीज पर डिपेंड कर रही है, कंडक्टर की सरफेस इक्वल है बच्चों। अगर कंडक्टर की सरफेस आपकी इक्वी पोटेंशियल होगी, तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस होंगी बच्चों वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी, है ना बच्चों। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर सरफेस ऑफ कंडक्टर, ओके बच्चों। इस चीज को प्रूफ करने जरूरत नहीं है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना बच्चों। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 बहुत ही सिंपल सा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगी बच्चों वो कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है बच्चों। एक एग्जांपल से हम देख लेते हैं बच्चों, हमने जो शुरुआत में एग्जांपल लिया था ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने शुरुआत में एक एग्जांपल लिया कि एक यूनिफॉर्म
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना बच्चों, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है बच्चों। और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कंडक्टर बच्चों ले लिया है ना बच्चों, ये मैंने ऐसे एक कंडक्टर ले लिया। तो बच्चों देखो होगा क्या, अब इस कंडक्टर के अंदर चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। पहली बात, जब कंडक्टर में चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज इधर, तो पॉजिटिव से नेगेटिव वो खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे, जैसे हम इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और बच्चों वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वो कंडक्टर के अंदर होगी, तो इस बाहर वाली को कैंसिल कर देगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो अंदर जीरो हो जाएगा। ये सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं ना बच्चों, ठीक है। तो अब इसने बोला है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है बच्चों बाहर वाली, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही हैं, ये कंडक्टर की सरफेस के बच्चों परपेंडिकुलर होनी है ना बच्चों, ये कंडक्टर की सरफेस के बच्चों परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, ठीक है ना बच्चों। कंडक्टर हमारा बन गया, कंडक्टर के अंदर बच्चों में कोई लाइन नहीं बना रहा इलेक्ट्रिक फील्ड की, कंडक्टर अंदर से ये सारा का सारा कंडक्टर है, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं बच्चों, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होगी, जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं बच्चों कंडक्टर के अंदर, तो वो तो जीरो है, इसके अंदर कोई लाइन नहीं बनेगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अलग से वाइट वाली लाइन्स बन सकती हैं जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो यूज चार्जेस की वजह से बच्चों, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी बन सकती हैं, लेकिन नेट तो बच्चों जीरो हो गया ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कोई लाइन हम डायग्राम में इस कंडक्टर के अंदर नहीं बनाएंगे, ठीक है बच्चों। ये चीज़ हमारी हो गई, ओके। तो बच्चों अब यहाँ पे ना बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। एक्चुअली मैं क्या था ना, मैं कुछ दिनों से बीमार था, ठीक है ना, पिछले एक डेढ़ हफ्ते से मैं बहुत ज़्यादा बीमार था, ठीक है। आज थोड़ा सा तंदुरुस्त फील कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे देखो बच्चों, ये चीज़ हमारी हो गई। तो अब क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी बच्चों ऐसे, ये एक्चुअली में ना बच्चों यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगी। कि हमने बोला कि जब हम कंडक्टर रखेंगे ना बच्चों, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी ये सरफेस के क्या हो जाएंगी, ऐसे परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर हो जाएंगी बच्चों, ठीक है ना। और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही बच्चों सरफेस के क्या हो जाएंगी, ऐसे परपेंडिकुलर, बच्चों। इसी प्रॉपर्टी पे ना काफी सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, ये चीज याद रखना बच्चों, ये ऊपर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये कंडक्टर से पास नहीं कर रही है तो इसका कुछ नहीं होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बच्चों ये भी पास नहीं कर रही तो इसका भी कुछ नहीं होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बच्चों वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फाड़ के जा रही है इस कंडक्टर को, ऐसे फाड़ते हुए जा रही है बच्चों, कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाएंगी, जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, जस्ट आउटसाइड बच्चों, जस्ट आउटसाइड, ये चीज याद रखनी, जस्ट आउटसाइड। देखो मैंने जस्ट आउटसाइड ही परपेंडिकुलर किया है, उसके बाद जैसे वो आ रही थी वो वैसी जाएंगी, देखो मैंने जस्ट आउटसाइड ही किया बच्चों, ठीक है ना, जस्ट आउटसाइड, ये चीज याद रखनी, ठीक है ना बच्चों, जस्ट आउटसाइड कंडक्टर के जस्ट बाहर, कंडक्टर की सरफेस के बच्चों जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी उस सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी, ये चीज हमने यहाँ पे देख ली, ठीक है ना बच्चों। तो हमें बहुत चीजें जो हैं अब वो क्या हो चुकी हैं, क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है ना बच्चों, ये चीज हमारी क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, तो बच्चों अब एक चीज में से एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना, वो ये पूछा था, सर जब इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट बाहर परपेंडिकुलर है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हम वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों। यस, yes. मैंने ये पूछा कि सर क्या हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं, आंसर आता है यस, yes. बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों कैसे निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे तो मैं अब आपके सामने यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है ना बच्चों। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर। और बच्चों ये चीज याद रखना, ये चीज याद रखना, मैं यहां पर बार बार जस्ट बोल कि हम सरफेस के जस्ट बाहर ही निकालने की बात कर रहे हैं, कि सरफेस के जस्ट बाहर ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है ना बच्चों। तो लेट अस से ये बच्चों कोई कंडक्टर हो गया, ठीक है ना, ये कोई कंडक्टर हो गया। ओके बच्चों, कंडक्टर की मैंने ये एक सरफेस ले ली, कंडक्टर की मैंने ये वाली एक सरफेस ले ली, ठीक है। इस सरफेस को थोड़ा सा मैं करके ये वाली सरफेस ले लें, ठीक है ना। तो इस सरफेस को थोड़ा जूम कर रहा हूं मैं और सरफेस में थोड़ी ऐसे बना रहा हूं, ठीक है बच्चों। ये वाली सरफेस को मैंने खींच के बड़ा करके बच्चों ऐसा बना दिया, थोड़ा सा बड़ा बना दिया, ठीक है ना बच्चों। ये चीज मैंने ऐसा बड़ा बना दिया। अब बच्चों यहां पे देखो जरा, इस पे जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा तो मैं ऐसे बना दूंगा, सब बड़ा बना देता, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर ये, अब ये जो कंडक्टर की सरफेस है बच्चों, इसके ऊपर और नीचे मैंने एक सिलेंडर बनाया। देखो ऐसे करके मैं एक सिलेंडर बना रहा हूँ ऐसे, ठीक है ना बच्चों। ऐसे मैंने एक सिलेंडर बनाया, जैसे इन्फिनाइट शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते वक्त गॉस लॉ में हमने एक सिलेंडर बनाया था ना, इस शीट को फाड़ता हुआ जा रहा था ऐसे, ठीक है बच्चों। वैसे अब मैं यहाँ पे एक सिलेंडर बना रहा हूँ, ठीक है बच्चों, जो इस सरफेस को कट करता हुआ कंडक्टर के अंदर जा रहा है बच्चों, कंडक्टर के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो ये एक सिलेंडर है, ठीक है बच्चों, जैसे कि ये मेरा हाथ है, ठीक है ना, आपको ये दिख रहा हाथ। तो ये बच्चों ये हाथ, ये शीट, ठीक है ना, ये हाथ जो है ये शीट है, और इसमें बच्चों मैंने ऐसे कंडक्टर बनाया ऐसे। ये सिलेंडर है, ये देखो ना, दिख रहा है ये सिलेंडर, ये सिलेंडर बच्चों ऐसे जा रहा है, ये सिलेंडर ऐसे गया और बाहर से यहाँ से निकल गया, ठीक है ना बच्चों। ये सिलेंडर मैंने बनाया, ठीक है, इसको हम पिल बॉक्स कहते हैं बच्चों। याद करो जब ये बहुत अच्छे से समझाया गया था गॉस लॉ के अंदर, जब हम इन्फिनाइट शीट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे बच्चों, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखो। अब बच्चों इस चार्ज की वजह से जो इस सिलेंडर के अंदर है, इस शीट का बच्चों कुछ हिस्सा शीट है, इसका कुछ ये वाला हिस्सा बच्चों सिलेंडर के अंदर है, और उस पर कुछ ना कुछ बच्चों चार्ज है ना बच्चों, इसका कुछ ना कुछ चार्ज है ना, ये बच्चों ये वाला जो चार्ज है ये कुछ ना कुछ है सिलेंडर के अंदर बंद हो गया बच्चों। इस चार्ज की वजह से बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जस्ट आउटसाइड की बात कर रहे हैं ना बच्चों, जस्ट आउटसाइड, ठीक है ना। तो ये वाला जो पॉइंट है बच्चों ये सरफेस के जस्ट बाहर है, यहाँ पे तुमको थोड़ा सा बड़ा डिस्टेंस दिख रहा है, ये हम जूम करके बना रहे हैं बच्चों। इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, और वो इसके सिलेंडर के एरिया को ऐसे फाड़ता हुआ जा रहा है बच्चों, परपेंडिकुलर है ना बच्चों, इस वाले एरिया के सिलेंडर को ऐसे फाड़ता हुआ जा रहा है, बिल्कुल सही बच्चों। और ये जो एरिया है, ये जो बच्चों एरिया है, ये एरिया है कितना, ये एरिया भी बाहर की तरफ होगा, ठीक है ना बच्चों। और वैसे ही बच्चों यहाँ पे ये बच्चों ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी नेट, जीरो, क्योंकि ये तो कंडक्टर के अंदर है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो जीरो है, एरिया इसका ए इस तरफ होगा, है ना बच्चों, ये चीज़ हो गई। तो इस सरफेस का बच्चों फ्लक्स जो है वो जीरो हो गया, लेकिन इस सरफेस का बच्चों ये वाला जो सरफेस है इसका फ्लक्स आ जाएगा, इसका फ्लक्स बच्चों आ जाएगा ई एरिया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया को ऐसे फाड़ता हुआ जा रही है इनटू सरफेस एरिया, है ना बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस सरफेस के ऐसे परपेंडिकुलर है बच्चों, है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों वो इस सरफेस के ऐसे परपेंडिकुलर है, तो वो खाली इस ही को फाड़ता हुआ जाएगी बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ये वाला एरिया हमारा फ्लक्स देगा खाली। और बच्चों ये जो फ्लक्स होता है ई ए enclosed by epsilon naught के बराबर होगा, क्योंकि ये जो मैंने गॉशियन सरफेस बनाई है बच्चों, सिलेंड्रिकल गॉशियन सरफेस, ये एक इमेजिनरी गॉशियन सरफेस है, ये वहां पे है नहीं, ठीक है ना बच्चों। ये हमारी क्या है, एक इमेजिनरी गॉशियन सरफेस,
क्या बच्चों, इमेजिनरी गॉशियन सरफेस है ये, एक इमेजिनरी गॉशियन सरफेस है बच्चों, ठीक है ना। ये हमने बनाई है ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू निकाल सके गॉस लॉ से, ठीक है ना बच्चों। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकालनी सीखी थी गॉस लॉ से। अब जिस पॉइंट पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालना चाहते हैं वहां से एक गॉशियन सरफेस इमेजिन करते हुए बनाते हैं, तो हमने ये एक पिल बॉक्स टाइप का गॉशियन सरफेस बनाया, ठीक है ना बच्चों। तो जो चार्ज इस पिल बॉक्स के अंदर है, ठीक है ना बच्चों, वो चार्ज इस सिलेंडर के अंदर है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भारी होगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो बच्चों अंदर जीरो है ना बच्चों। अब कितना चार्ज बच्चों के अंदर बंद है, तो यहाँ का सिग्मा है एरिया, तो ए से ए कट जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी हमारे पास, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, ये चीज याद रख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो सरफेस ऑफ कंडक्टर के जस्ट बाहर परपेंडिकुलर होती है, और उसकी वैल्यू बच्चों सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। बच्चों ये चीज याद रखनी है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है, ओके। तो आई होप ये चीज जो है आपको क्लियर हो गई होगी। थोड़ा सा मैंने ये चीज तेज बताई, ये चीज आप पढ़ चुके हो, ठीक है बच्चों, इसलिए। तो अब हम थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं। यस बच्चों, अब आ जाता है हमारा रोल ऑफ शार्प पॉइंट। बच्चों रोल ऑफ शार्प पॉइंट्स ये चीज आ जाती है, याद होगा मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जब भी हम बच्चों कंडक्टर को बाहर से एक्स्ट्रा चार्ज बच्चों देते हैं, जब भी आप कंडक्टर को बाहर से एक्स्ट्रा चार्ज दोगे बच्चों, ठीक है ना, तो वो एक्स्ट्रा चार्ज कंडक्टर के अंदर नहीं रुकता, वो भाग जाएगा कंडक्टर की सरफेस पर। और जब बच्चों वो कंडक्टर की सरफेस पे भागेगा, कंडक्टर की सरफेस पे वो कुछ इस तरीके से बच्चों डिस्ट्रीब्यूट होगा कि कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, है ना बच्चों। प्रॉपर्टी है हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए उसे, है ना बच्चों। तो अब जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये कोई कंडक्टर है बच्चों, है ना बच्चों, ये कोई भी कंडक्टर है, मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो सरफेस है ये किसी स्फेयर का पार्ट होगी बच्चों, है ना, ये किसी तो स्फेयर का पार्ट होगी, तो रेडियस आर वन होगा। ये आर वन को हम क्या बोलेंगे, आर वन को बच्चों क्या बोलेंगे, ये जो सरफेस है, ये जो बच्चों सरफेस है ये इस स्फेयर का पार्ट है जिसका रेडियस आर वन है। बच्चों ये आर वन जो है ये इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है ना बच्चों। तो अगर ये मैं सरफेस लेता हूँ एस वन, आर वन है इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एस वन, ठीक है बच्चों। अब अगर मैं ये वाला सरफेस लेता हूँ बच्चों, ये वाला सरफेस लेता हूँ, देखो ये छोटा सा पार्ट, तो किसी और बड़े स्फेयर का पार्ट होगा, ठीक है ना, उसका रेडियस बच्चों आर टू है, इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों आर टू है। ये जो पॉइंट है बच्चों, ये वाला जो पॉइंट है ये किसी छोटे से स्फेयर का पार्ट होगा जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों आर थ्री है। तो ये तो चीज़ बच्चों हमें समझ में आ रही है कि कंडक्टर के जो सरफेसेस पे बहुत सारे पॉइंट्स अलग अलग स्फेयर का पार्ट होगा, उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना बच्चों। कंडक्टर की जो शेप है जरूरी नहीं स्फेरिकल हो, जरूरी नहीं स्फेरॉइड हो, जो भी हो सकती है बच्चों कंडक्टर की सरफेस, है ना बच्चों। ने कुछ शेप का कंडक्टर ले लिया, ठीक है ना बच्चों, येलो कलर्ड लाइन आपको दिख रही है ये कंडक्टर है, ठीक है ना बच्चों, तो कोई कंडक्टर है। ये कंडक्टर के हर पॉइंट पे बच्चों जो मैंने पॉइंट बनाए हैं बहुत छोटी सरफेसेस ले ली है। बच्चों ये जो सरफेस है किसी स्फेयर का पार्ट होगा, है ना बच्चों, ये किसी स्फेयर का पार्ट होगा। आपको ये जो कंडक्टर दिख रहा है
ठीक है बच्चों, ये कंडक्टर कैसा है, ये आपको दिख, ये लाइन रही है आपको, ये ऐसी लाइन दिख रही है ना बच्चों, आपको कैसे लाइन दिख रही है ये, आपको ये कुछ ऐसी लाइन दिख रही है, ठीक है बच्चों। लेकिन ये जो लाइन है ना बच्चों, ये एक्चुअली ऐसी सरफेस, ठीक है, कपिल शर्मा जैसी नहीं, ये ऐसी कुछ सरफेस है, ठीक है। ये हमने एक ऐसी लाइन बनाई, और बच्चों ये जो लाइन है, ठीक है ना, आपको ये चीज दिखाई दे रही है, ये एक्चुअली सरफेस है, देखो सरफेस है, सरफेस है, ये किसी स्फेयर का पार्ट होगा ना बच्चों, मैं बोल सकता हूँ। और ये जो स्फेयर है, ठीक है, उसका रेडियस बच्चों आर वन है, ठीक है ना, और ये आर वन को हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बच्चों हर पॉइंट का, हर पॉइंट का बच्चों ना कुछ अपना अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, क्यों कुछ ना कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर हर पॉइंट का होगा। तो बच्चों समझ में आ गई पहली बात, बताओ जल्दी से। तो अब हमारे ये वाली बात बच्चों समझ में आ गई, अब हम देखते हैं कि चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों चार्जेस बटे होंगे, ठीक है ना, यहाँ पे बच्चों शार्प पॉइंट्स आता है ना, वहाँ पे चार्ज की डेंसिटी होती है बच्चों बढ़ जाती है, मतलब यहाँ पे सिग्मा अलग होगा, यहाँ पे बच्चों सिग्मा अलग होगा, यहाँ पे अगर सिग्मा वन है, यहाँ पे अगर सिग्मा टू हो, ठीक है ना। तो ये जो सिग्मा है ना बच्चों, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर पे क्या करता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे बच्चों डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी है बच्चों, ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर, डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके बच्चों, ये हमारा जो है एक, ठीक है बच्चों, ये हमारा एक नोट, आर जो है ये है हमारा रेडियस ऑफ, और बच्चों ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, ये एक्चुअली फर्स्टली प्रोपोर्शनल रेडियस ऑफ कर्वेचर के, ठीक है बच्चों, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। इसका एक प्रूफ भी है, लेकिन वो प्रॉपर एक मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, अगर समझाने बैठा तो बच्चों का हो सकता है आप कंफ्यूज, और वो इतना जरूरी भी, ठीक है ना। तो आपको सिंपल सिंपल बस ये याद रखना है, जो काम की बात है, आपने ये देखा है ऑलमोस्ट सारी डेरिवेशन, ऑलमोस्ट सारे एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ, अगर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बच्चों नहीं दे रहा, तो मतलब ये है अथा कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है ना बच्चों। इसलिए उस एक्सप्लेनेशन को हम नहीं, ठीक है बच्चों, और जरूरी भी नहीं है। तो आप सिंपल बस इस चीज पर याद रखो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है बच्चों कंडक्टर पे, वो हर पॉइंट पे अलग अलग हो सकती है, ठीक है ना बच्चों। और अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग है, वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर पर। अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर पे अलग अलग सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी बच्चों। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, इस सिग्मा इंटू रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों ये कौन है, ये हमारी एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनी, आर क्या है बच्चों, रेडियस ऑफ, बच्चे भूल जाते हैं कंडक्टर में रेडियस ढूंढते रहते हैं बच्चों, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो सबसे छोटा रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों शार्प पॉइंट का होगा, ठीक है ना। तो शार्प पॉइंट्स होते हैं ना बच्चों हमारे, अरे बहुत शार्प पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों कम होता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर मैं ये कोई ऐसा बना दूं बच्चों, आप ये देख, बहुत शार्प पॉइंट, आप ये देख सकते हो एक काफी शार्प पॉइंट, और इसका बच्चों सर्कल भी काफी छोटा बनेगा। इनफैक्ट ये जो सरफेस सर्कल आप देख सकते हो बड़ा बन रहा है, ठीक है ना बच्चों। शार्प पॉइंट्स का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है बच्चों एट शार्प पॉइंट्स
एट शार्प पॉइंट्स, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज वेरी स्मॉल बच्चों, और हमें पता है कि सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बच्चों अगर ये बहुत छोटा हो जाएगा ये चीज सिग्मा, ये क्या हो जाएगा काफी, ये बड़ा हो जाएगा बच्चों, सिग्मा जो है वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, डेंसिटी जो और पॉइंट्स पे वो बहुत ज्यादा होती है। तो एट शार्प पॉइंट्स, एट शार्प पॉइंट वैल्यू सिग्मा वेरी हाई। ओके बच्चों, इससे पहले आपको ये चीज पता, आपको सिग्मा वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, और जब सिग्मा बहुत ज्यादा हो जाएगा बच्चों तो तीसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड सरफेस ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड बच्चों सरफेस ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बच्चों अगर सिग्मा बहुत ज्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी बच्चों क्या हो जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी बच्चों बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है बच्चों, बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत बहुत ज्यादा। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों बहुत ज्यादा हो गई क्या होगा, ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और ये से हम एक टर्म, नई टर्म भी सीखने वाले हैं। ठीक है ना बच्चों, तो ये जो ई है, ठीक है ना बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर बच्चों बहुत ज्यादा हो जाएगी शार्प पॉइंट्स पर। ठीक है बच्चों, अगर आप इस सिग्मा को बढ़ाते जाओगे तो ई बढ़ता चले जाएगा, अगर ई बढ़ता चला जाएगा बच्चों तो क्या होगा, अब वो देखते हैं। ठीक है बच्चों, ये फोर्थ पॉइंट जो मैं आपको समझाने चाह रहा हूँ, इसके लिए मेरे को आपका बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड है। ठीक है बच्चों, दूर देखो ये वाला पॉइंट वाला, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो जरा, ये हमारा बच्चों कंडक्टर है, ये हमारा कोई कंडक्टर है, और ये बच्चों शार्प पॉइंट, ठीक है, ये कंडक्टर है सारा बच्चों। अब होगा क्या, ये हमारा एक शार्प पॉइंट है बच्चों, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, काफी क्या है, यहाँ पे जो चार्ज होगा ना वो बहुत ज्यादा डेंस होगा, बहुत ज्यादा, देखो हिचका पड़ा है चार्ज, बहुत ज्यादा इकट्ठा हो रखा है बच्चों यहाँ चार्ज। तो यहाँ पे बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस बच्चों, वो इलेक्ट्रिक बहुत हाई होगी। ठीक है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक बहुत हाई होने से होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों बहुत हाई होने से होगा क्या, ये चीज यहाँ पे बच्चों बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई होने से क्या हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी हाई, इज वेरी हाई बच्चों, देखो कंडक्टर यहाँ पर है, हर जगह तो हवा है ना बच्चों, इसके बाहर कंडक्टर के बाहर बच्चों हर जगह क्या है, हवा, और हवा में क्या होते हैं बच्चों, मॉलिक्यूल, और हवा बच्चों एक इंसुलेटर है, एक डाइइलेक्ट्रिक है, डाइइलेक्ट्रिक बच्चों क्या होते हैं, इंसुलेटर ही होता है। ठीक है ना, इंसुलेटर बोलूँ या डाइइलेक्ट्रिक बोलूँ, बात एक ही, ठीक है ना बच्चों। तो मैं इसलिए इंसुलेटर बोलता हूँ क्योंकि आपके मेरे आराम से दिमाग में पल्ले पड़ता है, समझ में आता है ना बच्चों, ये चीज़ है। तो यहाँ पे देखो जरा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों बहुत ज़्यादा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों बहुत ज़्यादा है, ये लेट अस से एयर का मॉलिक्यूल हो गया बच्चों, ये एयर का मॉलिक्यूल हो गया, क्या हो गया बच्चों, ये एयर का मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज पे ही समझ लेते हैं बच्चों, ये हमारा कंडक्टर हो गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्ज है, और बच्चों इलेक्ट्रिक ऐसे निकल रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू बच्चों, ये मॉलिक्यूल है, ये हमारा एयर मॉलिक्यूल, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या कर रही है, पास कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों पास कर रही है, ठीक है, एयर मॉलिक्यूल। तो बच्चों होगा क्या, होगा क्या बच्चों, इस मॉलिक्यूल में कुछ पॉजिटिव चार्ज है जो न्यूक्लियस के अंदर है, और कुछ नेगेटिव चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन के अंदर है बच्चों। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड
पॉजिटिव चार्ज पे अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज बच्चों इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन में गया है ना, और नेगेटिव चार्ज पे बच्चों अपोजिट फोर्स लगाएगा, वो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है ना बच्चों। अगर आप सिग्मा को और बढ़ाओगे तो उससे बच्चों ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है और बढ़ेगी बच्चों। तो आप पॉजिटिव चार्ज को पकड़ के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में खींच रहे हो और नेगेटिव चार्ज को पकड़ के उस अपोजिट खींच रहे हो। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पॉजिटिव चार्ज पे इस तरफ फोर्स लगा रही है और नेगेटिव चार्ज पे इस तरफ फोर्स लगा रही है, ठीक है ना बच्चों। तो उसने क्या किया, पॉजिटिव और नेगेटिव को हल्का हल्का खींचा, लेकिन मॉलिक्यूल अभी नहीं टूटा, बॉन्ड बहुत है, बॉन्ड बच्चों बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है ना मॉलिक्यूल्स के। तो अभी पॉजिटिव और नेगेटिव बच्चों अलग नहीं हुए। फिर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ाई, फोर्स और बढ़ी, उस और ज्यादा दूरी प्रोड्यूस कर दी पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, ठीक है ना बच्चों। तो पॉजिटिव को इधर धक्का दे रहा है और नेगेटिव को इधर धक्का दे रहा है बच्चों, खींच रहा है मॉलिक्यूल, लेकिन बॉन्ड अभी भी ज्यादा स्ट्रांग है, अभी भी मॉलिक्यूल का बच्चों, ठीक है ना। अब तुमने और ज्यादा सिग्मा दिया, और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आई, उसने और ज्यादा फोर्स लगाई, उसने और दूर कर दिया पॉजिटिव और नेगेटिव को बच्चों, कभी तो बॉन्ड टूटेगी, कभी तो बॉन्ड टूटेगी बच्चों, ओके। तो फॉर सम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर सम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एयर मॉलिक्यूल विल ब्रेक, एयर मॉलिक्यूल बच्चों जाएगा विल ब्रेक, या फिर मैं इसको अगर केमिस्ट्री की लाइन में बोलूं तो ये आयोनाइज हो जाएगा बच्चों, आयोनाइज हो जाएगा ये मॉलिक्यूल बच्चों, टूट गया जो मॉलिक्यूल बच्चों पॉजिटिव नेगेटिव था, इसको हम ऐसे पकड़ के खींच रहे थे और इसको ऐसे पकड़ के खींच रहे थे, कभी ना कभी बच्चों ये नेगेटिव और पॉजिटिव में जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हम ये बोलेंगे कि ये सारा जो चार्ज है ना बच्चों, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को कहाँ खींच लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा और थोड़ा चार्ज इसमें कम हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। ये चीज़ है, यहाँ पे सारा पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करी बच्चों, ये मॉलिक्यूल पे इलेक्ट्रिक फील्ड ने पॉजिटिव पे इस तरफ फोर्स लगाई, नेगेटिव पे इस लगाई। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों अगर बढ़ती चली जाएगी तो ये खींचने की फोर्स भी बढ़ती चली जाएगी, किसी ना किसी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे बच्चों एयर मॉलिक्यूल आयोनाइज हो जाएगा। एयर बच्चों बहुत अच्छा इंसुलेटर माना जाता है, और तुमने उसको कंडक्टर में कन्वर्ट कर दिया, जब उसमें मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैं, है ना बच्चों। तो ऐसी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसी वैल्यू बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो वैल्यू लेटर के मॉलिक्यूल तोड़ के अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में कन्वर्ट कर दे, कंडक्टर बना दे इंसुलेटर को, इलेक्ट्रिक फील्ड की बच्चों वो वैल्यू जो इंसुलेटर को आयोनाइज करके कंडक्टर बना दे, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड को बच्चों हमने नाम दिया है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना बच्चों। तो इसको आयोनाइज कर दिया सो दैट एयर कैन कंडक्ट, सो दैट एयर कैन कंडक्ट, ठीक है बच्चों। ये है, अब एयर कंडक्ट कर सकती है, एयर जो है बच्चों वो टूट चुकी है पॉजिटिव और नेगेटिव में, अब केवल चार्ज कैरियर्स आ गए एयर में बच्चों, तभी बिजली आती है जब बादल कड़कते हैं तो, है ना बच्चों। एयर इतना बढ़िया इंसुलेटर है, बादल गरजने पे बिजली कैसे आ जाती है, ठीक है ना बच्चों। इसलिए आती है क्योंकि वहां पे बच्चों हाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है बादलों के बीच में, कि वो एयर जैसे बढ़िया इंसुलेटर को कंडक्टर में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए वहां पे जो हमें बिजली दिखती है आते हुए, ठीक है ना बच्चों। ये रीजन है इसका, ये बात भी क्लियर हो गई। और हमें बच्चों ये वाली बात भी क्लियर हो गई कि ऐसी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंसुलेटर को आयोनाइज करके कंडक्टर बना दे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के नाम से जानते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो यहां पे मैं लिख देता हूं डेफिनेशन, ठीक है बच्चों। डेफिनेशन क्या है,
मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कम से कम वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड, मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट आयोनाइज अ डाइलेक्ट्रिक इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. ओके बच्चों, ये चीज जो है ये याद रखना. तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जब भी मैं बोलता हूं ना, बच्चों को समझ में नहीं आता कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं. डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बच्चों है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी कम से कम वैल्यू दूं ताकि वो इंसुलेटर को आयनाइज करके कंडक्टर बना दे, है ना बच्चों? इससे ज्यादा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा वैल्यू दे दोगे तो ऑब्वियसली तोड़ तो देगा ही. कम से कम कितनी वैल्यू, जहां पे डाइलेक्ट्रिक जस्ट टू के कंडक्टर बना, ठीक है ना? ऐसी कम से कम वैल्यू जो होती है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो इंसुलेटर को तोड़ के कंडक्टर बना, आयनाइज करके कंडक्टर बना दे, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड को बच्चों हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं. ये चीज याद रखना, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, ठीक है ना बच्चों? तो ये चीज आज हमने पढ़ ली. दिस इज द रोल ऑफ शार्प पॉइंट. शार्प पॉइंट्स का क्या होता है? शार्प पॉइंट्स का सिंपल सा रूल है, शार्प पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा सबसे, सिग्मा होगा सबसे ज्यादा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा सबसे ज्यादा. अब अगर चार्ज डालते रहोगे वहाँ बढ़ता रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एयर के मॉलिक्यूल को ऐसे खींचता रहेगा, खींचता रहेगा, कभी ना कभी वो मॉलिक्यूल टूट जाएगा, नेगेटिव अलग पॉजिटिव अलग, और वो आयनाइज करना शुरू कर देगा, अब कंडक्ट करना शुरू इंसुलेटर, ठीक है ना? तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंसुलेटर को आयनाइज करके कंडक्टर बना दे बच्चों, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक, ठीक है बच्चों? ये चीज जो है अपने को बहुत ही क्लियर हो गई. सारी प्रॉपर्टीज बच्चों हमने कंडक्टर की आज बहुत ही इलैबोरेटली पढ़ ली हैं, देख लिए कैसे करते हैं, ठीक है बच्चों? अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं कंडक्टर्स अगर उनमें कैविटी हो जाए तो, ठीक है बच्चों? कंडक्टर्स विद कैविटी को हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे अब. ओके बच्चों, ये चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है? तो इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से बच्चों, ठीक है? थैंक यू एवरीवन. तो बाय बाय. अच्छा, एक चीज और है, और है बच्चों, ये है, मैंने कंसेंट्रिक शेल्स जो होते हैं उनका पोटेंशियल आपको अभी तक इसलिए नहीं पढ़ाया बच्चों, तो मैं आगे आपको पढ़ाने, ठीक है ना बच्चों? और नेक्स्ट चैप्टर से मैं आपको एससी वर्मा के जो हैं बच्चों वो भी एज अ होमवर्क देना शुरू, ठीक है ना? इवन नेक्स्ट चैप्टर से नहीं, जैसे ही मैं कैपेसिटेंस शुरू करूँगा, ठीक है ना बच्चों? तो डीपीपीज के साथ साथ आपको कैपेसिटेंस भी मिलेंगे, क्योंकि बच्चों ये वाली वीडियो और हमारी आगे आने वाली वीडियो प्रॉपर थ्योरेटिकल थी, हम आपको इन दो वीडियोस के इस तो नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, क्योंकि प्रॉपरली थ्योरेटिकल है बच्चों, आपने देख लिया ये, ठीक है ना? जब ये दो लेक्चर्स बच्चों ख़त्म हो जाएंगे, ये दोनों लेक्चर्स बच्चों ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद हम आपको कंडक्टर्स के क्वेश्चंस के ऊपर डीपीपीज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना बच्चों? और इसके बाद कैपेसिटेंस जब हमारा शुरू होगा तो ना मुझसे हो पाएगा बच्चों एससी वर्मा के होमवर्क्स में आप, ठीक है बच्चों? तो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, नमस्ते.